गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अपने डिफेंस, स्पेस, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर, इनको डिस्कस करने की कोशिश की गई है। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्चुअल अगर हमारा उस पर अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो हम उसको अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 4-5 सवाल आते हैं तो उसमें 2-3 तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाले सवाल ही यूपीएससी यूजली पूछती है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। पहला तो हमें ये देखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, वो उसके कुछ हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो क्या क्या हैं। ऑलरेडी इंडिया बुक के अंदर ये काफ़ी सी सेम चीज़ें कवर हो चुकी हैं, बट फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। ये पॉलिसी आई 2013 के अंदर इसका मेन एक एम था, ठीक है, उसको नाम रखा था उन्होंने, अपने गवर्नमेंट ने, सृष्टि। उस सृष्टि का फुल फॉर्म होता है साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया। ठीक है, तो एक ये मेन पॉलिसी गोल है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से कोई खास वो इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी देन एक उन्होंने डिफरेंट टाइप की एक और स्कीम स्टार्ट करके रखी है, उसका नाम है इंस्पायर। ये जो स्कीम है ये यंग टैलेंट को साइंस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने स्टार्ट की थी। इसका फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूड फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, और ये एक ऑनगोइंग इनिशिएटिव भी चल रहा है। और इसको किस लिए चलाया गया है, अपने बंदों को जो यंगस्टर्स होते हैं उनको साइंस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। यूजुअली वो क्या करते हैं कि आजकल सारा MBA हो गया, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक साइंस की तरफ लोगों का झुकाव कम होता जा रहा है, या लोग यूजुअली जैसे IIT में भी चले जाएंगे लेकिन IIT करने के बाद करते क्या, MBA करके बाहर निकल जाते हैं, रिसर्च की तरफ कोई अपना दिक्कत मूव भी नहीं करता है। दैट्स व्हाई उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो हमें याद रखना है कि उनको पहले वो अट्रैक्ट करेगा, फिर अट्रैक्ट करके उनको रिटेन करने की कोशिश करेगा। रिटेन मतलब उसको वहीं पर रखने चाहेगा, तो उसके लिए स्कॉलरशिप देगा वो। तो पहले उन्हें अट्रैक्ट कर लिया, फिर उनको वहीं पर रख लिया स्कॉलरशिप के थ्रू। उसके बाद में जब हायर एजुकेशन खत्म हो जाती है तो फिर क्या चाहिए बंदे को, जॉब चाहिए। तो उस जॉब या रिसर्च जो भी बोलोगे आप उसको, तो उसके लिए उन्होंने अश्योर्ड अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने थर्ड स्कीम स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट का नाम सीड्स है, सेकंड का नाम शी है, थर्ड का नाम ORC। अगर तीनों नाम पूछता है कि किस स्कीम से रिलेटेड है तो पता होना चाहिए इंस्पायर के लिए। तो फर्स्ट इज़ फॉर दी उनको अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरा उनको रिटेन करने के लिए, उसके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, और थर्ड उनको रिसर्च कैरियर के अंदर उनको एक अच्छा कैरियर के अंदर ऑलरेडी मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अश्योर्ड अपॉर्चुनिटी वहां पे रहेगी। ठीक है, यहां पे हमें याद रखना है कि एस्पायर और इंस्पायर के बीच में एक डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो एस्पायर जो स्कीम है वो MSME अपनी जो मिनिस्ट्री है उसकी है, और वो इसमें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो MSME के जो वो होते हैं अपने जो बंदे हैं वो उनको वहाँ पे उनको वो एक तरीके से उनके लिए इंसेंटिव्स वहाँ पे हैं। और इंस्पायर जो है वो एक साइंस के लिए है और अट्रैक्शन फॉर द यंग टैलेंट है। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस याद रखना और ये तीनों उसके नाम देख लेना। ठीक है, लेक्सी, हाँ, वुमेन साइंटिस्ट के लिए एक स्कीम है, ये नई उन्होंने किरण नाम से स्टार्ट की थी। यूजुअली होता है क्या कि जब वुमेन साइंटिस्ट होती हैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स के कारण, या उनकी जो प्रेगनेंसी हो जाती है, या कुछ और उनकी जो हस्बैंड के साथ मूवमेंट करनी पड़ती है, तो उसके कारण वो कैरियर के अंदर एक ठहराव आ जाता है या एक वो ब्रेक आ जाता है। तो उससे उनको क्या रोकने के लिए, वुमेन टैलेंट जो अपना की जो साइंटिस्ट हैं उनको रिटेन करने के लिए उसी जॉब के अंदर उन्होंने एक किरण नाम से एक स्कीम स्टार्ट की थी। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ठीक है, इस सेंटेंस का रियल में अगर देखा जाए कोई मतलब नहीं है, बस हमें देखना है कि किरण नाम से स्कीम है फॉर वुमेन साइंटिस्ट। ठीक है, और ये नर्चरिंग वाला वर्ड देख लेना इसके अंदर। फिर उन्होंने किया क्या, जैसे वेरियस इशूज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रिलोकेशन हो गया। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटीज इन रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशन डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह में। ठीक है, छोटा सा नाम है, सिंपल एक MCQ बन सकता है। देन हमारा आपको पता ही होगा जो नेशनल एक्शन प्लान है फॉर व्हाट, क्लाइमेट चेंज। इस क्लाइमेट चेंज के अंदर ऑलरेडी 8 वो आते हैं, तो इसमें से 2 ऐसे प्रोग्राम हैं, 2 ऐसे जो अपने ये मिशन हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक हैंडल करता है। कौन से, नंबर 1 सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दोनों के दोनों जो हैं ये मिनिस्ट्री अपनी SNT हैंडल कर रही है। ठीक है, ये ऑलरेडी बता दिया NIPCC मैंने, और इसी में उन्होंने क्या किया, हिमालयाज क्लाइमेट चेंज पोर्टल भी उन्होंने स्टार्ट किया है। एक MCQ यहीं बन जाएगा, उन 8 के 8 आप याद रख लेना कौन कौन सा किसके अंडर में आता है। तो ये 2 यहीं पे कवर हो गए आपके। लेट्स मूव, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी स्टार्ट किया था उन्होंने। ये हैंडल कौन कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड DT जो भी मईटई में चेंज हो चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया था इस डिपार्टमेंट ने, वो था सत्यम प्रोग्राम। सत्यम की फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, ताकि वो रिसर्च की जा सके, स्टार्ट की जा सके या रिजोनेट की जा सके इसमें योगा एंड मेडिटेशन के अंदर। तो वी हैव व्हाट, अपना जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है वो कौन कौन कर रहा है, DST+DT एंड देन वी हैव सत्यम। सत्यम जो है ये एक योगा एंड मेडिटेशन के लिए रिसर्च है।
स्मूव। हाँ, उन्होंने एक और निधि स्कीम उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखी है। ये जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग द इनोवेशंस। ये जो इनोवेशंस को जो हार्नेस कर रही हैं, वो एक सीमलेस इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाने की बात की है। उसके अंदर चार पाँच इसकी वो हैं, फोर इसके कंपोनेंट हैं। ये टोटल फोर कंपोनेंट, पहला तो प्रयास है, दूसरा EIR है, ठीक है, थर्ड उन्होंने कुछ और स्टार्ट किया, ये इधर एक IDC हो गया, फिर एक MHRDA, अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके साथ में उन्होंने एक स्टार्टअप सेंटर स्टार्ट किया है, जिसमें चारों में स्पेसिफिक कंपोनेंट है। उनमें पहला ही कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला, प्रमोशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स, ठीक है, ताकि जो आइडिया वो लेके आ रहे हैं वो प्रोटोटाइप में चेंज हो सके। प्रोटोटाइप का सिंपल मतलब होता है कि लाइक सपोज आपको डिफरेंट टाइप का एक सिस्टम बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नया बनाना है आपको, वो मोबाइल जो इतना अच्छा है उसमें कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी, कुछ और स्पेशलिटीज होंगी, वो वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी कुछ फंडा होगा उसके अंदर, लेकिन आपके पास केवल आइडिया है, ठीक है, और शायद मे भी आपका ब्लूप्रिंट भी होगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इकोसिस्टम नहीं है, आपके पास मार्केटिंग नहीं है, आपके पास फैक्ट्री के लिए जो एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं है। उस आइडिया को रियल प्रोटोटाइप में डेवलप करने के लिए सारा सिस्टम चाहिए, तो ये सिस्टम जो होगा वो निधि के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और पहला जो उसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट था प्रयास वाला, ये आपको उसमें हैंडल करेगा। देन इसमें दूसरा वो दे दिया एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस वाला, एक सिस्टम देगा आपको जिसमें रिस्क कम करने के लिए। फिर इसमें क्या आ गया, ये डेवलपमेंट सेंटर्स आ गए, ठीक है, जिसमें अकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो होंगे ना उसके थ्रू आप हेल्प कर सकते हो। फिर स्टार्टअप सेंटर कोलैबोरेशन विद MHRDA आ गया, तो जो अपने ये इंस्टीट्यूट हायर लर्निंग वाले, IIT हो गया, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हो गया या टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गया, इसके थ्रू भी आप इनको ये कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट वी हैव मानक। ये मानक जो है ये इंस्पायर अवार्ड्स का नया नाम है, ठीक है, इंस्पायर अवार्ड बता दिया था मैंने आपको पहले। इसका नाम क्या है, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड द नॉलेज। कुछ ऐसे आइडियाज़ होंगे जो स्टूडेंट के पास में होते हैं, ठीक है, वो जो आइडियाज़ होंगे अगर नेशनल नीड हमारी, फॉर एग्जांपल कि हमारी पॉवर्टी रिमूवल एक बहुत बड़ी नीड है, एग्रीकल्चर ग्रोथ एक बहुत बड़ी नीड है, अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करना बहुत बड़ी नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, स्वच्छता वाली प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये जो नेशनल नीड्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए इन स्टूडेंट्स से बोला जाएगा कि भैया आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं रेलेवेंट वाले, ठीक है, और जो आइडियाज़ उनके जो रियल में सक्सेसफुल होने वाले हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे, उनको ये प्राइज़ मिलेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू आप फिर ये चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। देन हमें ये जरूर याद रखना है कि जो सर्वे ऑफ जो इंडिया है ना वो इसी मिनिस्ट्री में आता है, कहीं आप ऐसा ना हो कि आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से मार दें, ठीक है, IMD जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है, ठीक है, और लेकिन जो ये सर्वे ऑफ जो इंडिया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ SNT का, ठीक है, जो मेट्रोलॉजिकल वाला फंड जो ये डिपार्टमेंट है ये किस में आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आ जाएगा। देन एक छोटा सा और MCQ बनता है, साउथ पोल के अंदर अपना मैत्री है एंड देन भारतीय है, नॉर्थ वाले का नाम याद रखना हिमाद्री है, ये जो स्वालबार्ड जो आइलैंड है छोटा सा किसका, नॉर्वे का, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो साउथ वाले हो गए मैत्री भारती एंड नॉर्थ वाला हो गया हिमाद्री। उन्होंने एक और स्टार्ट किया है इंडिया ने, इंडिया के अंदर ही है ये, है अपना स्पीति वैली के अंदर, ठीक है, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपने नेशनल पार्क वाले वीडियोज़ देखे होंगे तो वहाँ पर आपको पता ही होगा कौन कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है, अपना ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, फिर वहाँ पे अपना ये जो पिन वैली वाला फंडा है, देन हमारे वहाँ पे जो ये बायोस्फीयर रिज़र्व है, ठीक है, ये तो सारे पॉइंट वहीं पे हैं आपके। तो इसमें क्या था, ये जो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, ठीक है, इसने इसके पास सेंटर है एक नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, दोनों ने मिलकर इसके अंडर में ही है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के, इसने क्या बनाया, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन बनाया, कहाँ पे, हिमालयस के अंदर, स्पीति वैली के अंदर, इसका नाम है हिमांस, ठीक है, हिमांस मतलब पीस ऑफ हिम मतलब आइस, ठीक है, इसने स्लाइस ऑफ आइस बोला, बट अंश का मतलब ये होता पार्ट, ठीक है, इसका रियल का जो मतलब काम क्या होगा, ये स्टडी करेगा एंड क्वांटिफाई करेगा हिमालयन के जो ग्लेशियर्स है ना अपने, वो क्लाइमेट चेंज के उसके चक्कर में आके कितना उन पर मतलब इफेक्ट पड़ा है, गल रहे हैं या मतलब डिजॉल्व हो रहे हैं या और मतलब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है जो भी है, तो वो चेक करने के लिए हमने यहाँ बनाया, ठीक है। तो अपना मानक याद रख लेना, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल अपने ये पता हो गया, हिमाद्री हो गया नॉर्थ में, साउथ में मैत्री भारती हो गया, हिमांश अपना हो गया यहाँ पे। देन अब आता है अपना डिफेंस वाला पार्ट, डिफेंस में आपने बहुत बार बार देखा होगा क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिंग मिसाइल, ये रियल में होती क्या है, एक सिंपल अगर मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ तो आप इतना देखिए, अगर आपने ब्रह्मोस की वीडियोस देखे होंगे मान लीजिए, ठीक है, या आपने अगर वो मूवीज़ देखी हैं अपनी, सिंपल अगर मूवी देखी होगी लेटेस्ट आई थी मिशन इम्पॉसिबल 4, ठीक है, या और भी कोई पुरानी मूवीज़ देखी हो जिसने बैलिस्टिक मिसाइल को आपने फायर करते हुए दिखाया होगा, ठीक है, रशियन के बहुत सारे वीडियोस हैं उस यूट्यूब के ऊपर, तो जो ब्रह्मोस का वीडियो आपने देखा होगा, ब्रह्मोस यूँ उठती है, मान लो शिप से उठी या लैंड से उठी, जो भी उठती है हल्की सी उठेगी ऊपर की तरफ, एंड देन क्या होती है, फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है ऐसे, ठीक है, और ब्रह्मोस तो ऐसी मिसाइल है कि वो ट्री टॉप के ऊपर चलती है, ट्री टॉप मतलब कि जो अपने पेड़ होते हैं ना उनसे थोड़ा सा ऊपर चलती है,
ठीक है, और फिर ये यूँ दौड़ती है ग्राउंड के पैरेलल कंटिन्यूसली ऐसे, ठीक है, और जब दौड़ती 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 कंटिन्यूसली और फिर जहाँ टारगेट होता है वहाँ पर जाके हिट कर देती है ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्रूज़। आप कंटिन्यूसली एक स्पीड से भागोगे, ठीक है, और क्रूज़ करते हो आप इसको, जो जो पर्टिकुलर जो ये जो इसका तरीका है ये चलने का, इसको क्रूज़ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्रूज़ होता है ये यूजली गाइडेड होता है, बिकॉज सामने आपके पहाड़ आ गया या कुछ और चीज़ आ गई, या आपको मतलब कि इसमें कुछ सामने जाना है वहाँ पर कहाँ पर हिट करना है, बिकॉज पूरे एरिया में कहीं भी गिर सकती है तो, लेकिन उसको वहीं जाके गिरेगी बिकॉज की रेंज 300 किलोमीटर अभी, और बढ़ा बढ़ा के 500 करने की सोच रहे हैं तो उस 300 किलोमीटर के एरिया तक कहीं भी गिर सकती है ये, तो उसको गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्रूज़ हो गई। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल आपने देखी होगी, जैसे आप यहाँ से निकलती है ऐसे मूवीज़ में देखा होगा जो भी होगा, वो यूँ उठती है, ठीक है, और आकाश में जाएगी और फिर वहाँ से यूँ आके यूँ गिरती है, ठीक है। तो ये इसकी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, इसका नाम ये ऐसे आ गया, ठीक है। छोटा होगा तो छोटे गिर जाएगी, लेकिन इनकी यही रहती है। ये जो जो फ्री फॉल होता है ना यहाँ के बाद में आकाश में जाने के बाद, ये सीधी ऐसे फ्री फ्री फॉल ग्रेविटी की उसकी गिरती है। इसमें यहाँ पे इसमें शुरू शुरू में थोड़ा गाइड कर दिया, इसके बाद में इसकी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, जहाँ टारगेट दिया वहीं पे होता है इसको टारगेट। इसको जो गाइडेंस की इसलिए ज़रूरत नहीं होती है कि ये यूजली जो अपने स्टेबल जो जो वो होते हैं स्टैटिक जो जगह होती हैं, मतलब कि जैसे सिटी हो गया, अब सिटी तो हिल नहीं सकती ना वहाँ से, वहीं गिरेगी जाके, या अपने कुछ और जैसे आर्मी में कुछ कैंट पड़ा है या कुछ और एरिया पड़ा है तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल होगा, तो उनको हिट करने के लिए जाती है। जो ब्रह्मोस वगैरह जो होती हैं ये ऐसे टारगेट को हिट करने की जाती है जो यूजली मोबाइल हो सकते हैं, ठीक है, या शॉर्ट नोटिस के ऊपर उनको हिलाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इनको बैलिस्टिक वाले में कोई गाइडेंस नहीं चाहिए होती है, आपको शुरू में एक बार गाइड कर दो बस खत्म हो गया उसका छोड़ दो। ब्रह्मोस को कंटिन्यूसली गाइडेंस चाहिए होती है जो क्रूज मिसाइल होती है। तो ये सिंपल सी एक वो थ्योरी है जो मतलब आप समझ सकते हो। तो बैलिस्टिक का याद रखना यूं आएगी, और जो अपनी जो ये होगी ये क्रूज वाली कंटिन्यूसली ग्राउंड दौड़ेगी ऐसे। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल से बताया भी है, ओनली गाइडेड ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड्स ऑफ द फ्लाइट, फॉर एग्जाम्पल शुरू में कर दिया जैसे, है ना। कुछ मिसाइल हैं जो कम्प्लीटली उसको बहुत मतलब कई जो अनगाइडेड भी होती हैं, लेकिन यूजली थोड़े से उसके अपने जो पीरियड के लिए गाइड की जाती है। ये क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रैजेक्टरी जो होती है अनपावर्ड होती है, मोमेंट यहाँ पहुँची है उसके बाद में ये फिर अपने हिसाब से धीरे धीरे अपना गिर जाएगी नीचे आके, और जो ग्रेविटी होगी वही लेके आ जाएगी इसको धरती की तरफ, है ना। ये हो गया क्रूज मिसाइल। क्या होती है ये एरोडायनेमिकली गाइडेड होती है, ठीक है, कंटिन्यूसली अगर यहाँ से उठी और यूँ भागेगी कंटिन्यूसली, ठीक है। और इसी में क्या होता है जैसे ये लोहा, इसमें एक चीज़ याद रखना, जो क्रूज हो गई वो क्या है कि धरती के साथ साथ चल रही है, जैसे ग्राउंड हगिंग मान लो आप, ठीक है, 100-200 या मतलब कि मैक्सिमम 1 किलोमीटर ये आकाश में रहेगी, उतनी हाइट रहती है इसकी, कंटिन्यूसली चलती जाती है। लेकिन जो ये होती है एक ICBM होती है, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दैट मीन्स इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब 5500 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो होती है ना, दे आर लॉन्च्ड ऑन ए सब ऑर्बिटल फ्लाइट। सब ऑर्बिटल मतलब ये हवा से ऊपर एटमोसफियर से बाहर चली जाती हैं, जैसे अपनी जो Agni-5 का बताते हैं कि ऊपर आकाश में जाएगी और यूँ आ जाएगी, तो यही एटमोसफियर यहीं खत्म हो गया। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसको सब ऑर्बिटल पार्ट बोलते हैं, जहाँ आउट ऑफ द एटमोसफियर होता है ये, ठीक है। तो ये कुछ जो जो उसकी जो फ्लाइट होती है वो आकाश में ही रहती है ये, ठीक है, जैसे अब अर्थ ऐसे है, एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ मान लीजिए हम अर्थ बनाते हैं, तो ठीक है, मान लो आप इंडिया यहाँ पे अभी राइट नाउ, यहाँ से यूँ उठती है ये आकाश में ऐसे, ठीक है, और यूँ उठ के और ये फिर क्या आ गई, जैसे ये ऑलरेडी एटमोसफियर यहीं ख़त्म हो गया, और फिर ये उड़ उठ के जहाँ भी इसको गिरना होता है ना फिर यूँ आके धरती पर गिरेगी, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, जैसे 5000 किलोमीटर वाला पार्ट हो गया जो भी इनका पार्ट होता है, तो ये वहाँ से टारगेट लेती हैं, तो इसको ये यूँ गिरना होता है। और ये यहाँ पर जाने की एक बात के बाद में इनका फिर कोई फ्यूल व्यूल की जरूरत नहीं होती है, ये अपनी ग्रेविटी से जहाँ पर इनको अपने पहले आपने गाइड कर दिया होता वहीं पर आके फिर ये धम, ठीक है, और ब्लास्ट हो जाता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल, जो ज़्यादातर जो बैलिस्टिक मिसाइल उनका यूज इसलिए किया जाता है, किस लिए, न्यूक्लियर मिसाइल के लिए, ठीक है, और इसीलिए उनको स्ट्रेटेजिक वेपन बोलते हैं, ठीक है। और फिर जो शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, जैसे मान लो उसको आसपास ही गिरना है 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर में, तो वो ऊपर हल्के से उठेंगे और गिर जाएंगे, ठीक है, तो वो कोई जरूरत नहीं होती है उसके अंदर। तो सिंपल सा हो गया। अब स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने एक वर्ड बोला और टैक्टिकल वेपन बोला, टैक्टिकल मतलब क्या होता है, टैक्टिक्स जो होती है ना दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटजी जो होता है आपका फाइनल एम, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के खिलाफ वार जीतनी है या मुझे चाइना के खिलाफ वार जीतनी है, दैट इज़ माय स्ट्रेटजिक एम। तो उस स्ट्रेटजिक एम को अचीव करने के लिए वी नीड टैक्टिकल्स, टैक्टिक्स होती हैं, जैसे कि आपने ओके ठीक है ओके इसकी जो लाहौर को बम गिरा दो, रावलपिंडी में उनका जो मेन जो अपना आर्मी का जो एरिया वहाँ पे उसको कर दो, या उनके जो कराची के अंदर शिप का जो हार्बर उसको तुम उसको गिरा दो, तो ये टैक्टिक्स हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजी जो होती है कि भैया कि उसको जो कंप्लीट जो एम होता है उसको है, या फिर मान लीजिए कि सपोज कि चाइना है, कि चाइना बहुत ज़्यादा उसको कर रहा है, तो हमने बोला कि भैया कि हमारा स्ट्रेटजी, जो हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आपको मतलब कि वॉर हमें हमारे इंडिया के ऊपर करने ही नहीं देनी है, ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हम अपने न्यूक्लियर जो मिसाइल्स होंगे उनको चाइना की तरफ ऐसे निशाना कर देंगे,
और बोल देंगे भैया कि तैयार तो बैठे हैं लड़ाई के लिए, तो फिर क्या करेगा चाइना, अपने आप इधर लड़ाई करने की कोशिश करेगा नहीं। तो ये स्ट्रेटजी एक हमारी जो एम हो जाता है, और न्यूक्लियर के लिए ऑब्वियसली क्या हो गया, आपको बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, और तो जो स्ट्रेटजिक जो एम हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये स्ट्रेटजिक वेपन होते हैं, ब्रह्मोस होती है, ब्रह्मोस ये एक तरीके से आपका एक वो स्ट्रेटजिक वेपन नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटजिक यूजली लॉन्ग डिस्टेंस वाले, और जो सिटीज़ को अपने टारगेट पर ले लिया, शंघाई बीजिंग के ऊपर सबको अपने निशाने के ऊपर ले रखा होगा, तो वो एक स्ट्रेटजिक एम होगा। टैक्टिक्स में हम सिंपल सा क्या होते हैं, जो उसकी आर्मी की जो कोर होगी, बटालियन होंगी या डिवीजन चल रही होंगी, ठीक है, रॉकेट रेजिमेंट नहीं आई है तो इनको टारगेट पर लेंगे, तो वो टैक्टिक्स हो गई। तो एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग देख लेना आप इसमें, ठीक है। अब आएगा अपना IGM, ये वाला, ये था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है, 1980s में आया था अपने उसने जो कलाम भाई साहब थे, अपने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसमें जो पहली मिसाइल जो आई थी इंडिया के अंदर वो पृथ्वी आई थी, ये याद रखना, सरफेस टू सरफेस है, बिकॉज नाम भी इसका पृथ्वी है, तो धरती से धरती पे आकर गिर जाएगी, ठीक है। दूसरा है त्रिशूल, त्रिशूल ये आई थिंक ये उन्होंने वो कर दिया, अभी डिसकंटिन्यू कर दिया, और केवल ये एज ए डेमोन्स्ट्रेटर रह गया है, ये सरफेस टू एयर थी तो उसको कोई पूछेगा नहीं। आकाश अभी भी उसके अंदर है हमारे, उसके अंदर और सरफेस टू एयर है, आप इसको याद रख सकते हो कि अर्थ है ऊपर आकाश है, तो आकाश एक तरीके से अर्थ टू आकाश की तरफ जाएगी, ठीक है, तो सरफेस टू एयर हो गया। देन वी हैव नाग, नाग क्या होती है कि नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, यहाँ हम बैठे होंगे, हमने एक अराउंड हमारे पास 2-3 फीट का एक लंबा सा एक वो होता है, उसके अंदर हमने नाग मिसाइल के वो फिट कर देते हैं, और सामने जो अपना टैंक आ रहा होगा उसको हम टारगेट पर ले जाकर फायर कर देते हैं, ठीक है, और वो जाकर हिट करती है और टैंक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसा याद रखना, नाग जैसा ही हमने एक इंडिया ने एक और खरीदा है इजराइल से, उसका नाम है स्पाइक, ठीक है, तो ये भी एंटी टैंक मिसाइल है। US ने हमें बेचने की कोशिश की थी जेवलिन, ठीक है, लेकिन वो जेवलिन को हमने वो कर दिया था कि महंगा भी था और काफ़ी सा हमारे इंडिया की कंडीशन के लिए ठीक नहीं था, तो स्पाइक वाला याद रखना आप एक, ठीक है वो। देन हमने अग्नि का वो किया था, अग्नि के 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। देन वी हैव सागरिका, तो हमने सागरिका को वो क्या बोलते हैं, जो केस मिसाइल भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, सबमरीन से फायर होने वाली हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, यूजली न्यूक्लियर टिप्ड वाली। फिर हमारा धनुष है, ये नेवल पृथ्वी है, नेवल जो वर्जन है उसका पृथ्वी का, ठीक है। एक सूर्या और थी जो अभी तक डेवलप हुई नहीं है, ठीक है, वो भी इंटीग्रेट का प्रोग्राम का था, और आई थिंक 2008 के अंदर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया इस प्रोग्राम को टोटल को, तो सूर्या का अभी कोई न्यूज़ है नहीं, वो खत्म हो चुका है। तो पृथ्वी हो गया, त्रिशूल ऑलरेडी डिसकंटिन्यू है, वी हैव आकाश, सरफेस टू एयर बता दिया, नाग है टैंक वाली, स्पाइक हम इसराइल से ले रहे हैं, अग्नि आ गई हमारी 5 है टोटल उसके अंदर, ठीक है, 6 वाली आई थिंक डेवलपमेंट के अंदर है। फिर सागरिका हमें बता दी, सबमरीन लॉन्च हो गई, धनुष जो है वो नेवल पृथ्वी है, सूर्य का कोई न्यूज़ है नहीं। ये फिर वो आएगा जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये देखो शॉर्ट रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी कहाँ से गिर रही है, ये यूँ आके यूँ गिर रही है, ठीक है, ये छोटा वाला मान लो आप। देन वी हैव मीडियम रेंज, तो ये यूँ आके गिर रही है, तो सब ट्रेजेक्टरी देखो आप ऐसे, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज हो गई, ऊपर वाली ये आ गई। तो याद रखना जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो होती है ना, उनकी सबकी डेफिनेशन याद रखना, 5500 से ज़्यादा वाले को ही बोलते हैं, 5500 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। एंड इंटरमीडिएट जो रेंज होती है ना, वो 3.5 से 5.5, 3500 to 5500 किलोमीटर हो गया, मीडियम रेंज और कम कर दो, ठीक है। तो ये ट्रेजेक्ट्री याद रखना कि ये ऐसे गिरेंगी, ठीक है, ऐसे। और जो अगर मान लो अर्थ, अगर यहाँ पे हमने ये धरती पे, ये अपने क्या बोलते हैं कि ये अपना लैंड है, और जो 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 है अपनी जो क्रूज होती है वो हल्के से उठेगी और यूँ भागती है, और जबकि बैलिस्टिक कैसी थी, यूँ। तो ये तरीके से आप याद रख सकते हो ना। अब ये जैसे इसमें आई थिंक कवर हाँ कर लिया है, तो जैसे ब्रह्मोस है अपनी यहाँ, तो ये क्या क्रूज है, ठीक है। अब निर्भया है, ये भी क्रूज है। एक शौर्य और आ रही है, वो भी क्रूज है, ठीक है। बट अग्नि क्या है, ये बैलिस्टिक है, ठीक है, याद रखना है। ऐसे जो ब्रह्मोस जो है ना, ये सुपरसोनिक है, मतलब ये साउंड किससे ज़्यादा स्पीड दौड़ेगी, 2.82 तो ये मैक इसका ये है, मैक 3 की स्पीड दौड़ती है। एंड देन सबसोनिक है ये निर्भय, ये स्पीड है साउंड की स्पीड से कम दौड़ेगी, इसकी रेंज 290 है, अपने जो निर्भय की ज़्यादा है 700 to 1000 किलोमीटर, ठीक है। अभी हमने क्या है कि हे कन्वेंशन और जो MTCR हमने साइन कर लिया है और हमें उसकी मेंबरशिप मिल गई, तो हमने क्या कर रहे हैं कि हमें इसकी रेंज बढ़ा के 500 किलोमीटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखना ब्रह्मोस, हाँ इसमें याद रखना कि इसके अंदर ना एक रैमजेट वो एक इंजन है, तो जो रैमजेट इंजन जो होता है ना, वो तभी फंक्शन करता है, आगे स्क्रैमजेट बताऊंगा मैं आपको, जब ऑलरेडी वो एटमोसफियर के अंदर चला जाता है, जब वो स्पीड पकड़ लेता है तब रैमजेट किक कर देता है और फिर अपना वो रैमजेट काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन शुरू वाला जो पार्ट है, जब फायर होती है एंड वो हॉलोन लोग चलना स्टार्ट करती है, तब वी नीड अनदर, मतलब एक उसमें मोटर चाहिए होती है, वो जो होती है वो सॉलिड यूज़ करती है, ठीक है, तो वो सॉलिड वाला यूज़ करती है वो। उसके बाद सेकंड वाले में रैमजेट लिक्विड यूज़ करेगी। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट मिसाइल है, क्रूज मिसाइल 2.8, 2.3 जो मैक है वो है, ठीक है। अभी लोग उसको हाइपरसोनिक भी वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक 7, मैक 8 ऐसे करके, बट अभी तो कुछ हुआ नहीं है उनके पास। और ब्रह्मोस का जो नाम है ना, वो ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मॉस्कोवा, जो मॉस्को की रिवर है उनके नाम पे रखा गया है, ऑब्वियसली तो पता ही आपको, इंडो रशियन जॉइंट प्रोजेक्ट है ये,
ठीक है। तो मैक या थ्री याद कर लो, सुपरसोनिक 290 से बढ़ाने कुछ कर रहे हैं। MTCR हमने ऑलरेडी साइन कर लिया, टू स्टेज होती है इसमें, सॉलिड प्लस रैमजेट, देन वी हैव ये फास्टेस्ट है। निर्भया हमने ऑलरेडी बता दिया सबसोनिक है, क्रूज है 700 to 1000 किलोमीटर में आ जाएगी। अग्नि बता दिया बैलिस्टिक वाला, ये न्यूक्लियर है। एक आपने बार बार नाम सुना होगा MIRV, ठीक है, जो अग्नि 5 का जो ये है अपना 5000, इसमें बोल रहे हैं कि ये जो अग्नि 5 है ये MIRV है, अग्नि 6 आएगी वो भी MIRV होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें ये होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। फॉर एग्जांपल ये अगर ये जो है ये कैपेबिलिटी है किसी मिसाइल में हो गई, तो आप समझिए कि हमने अग्नि 5 ऐसे उड़ी, यहाँ पर जब वो ऊपर जब पहुँच जाएगी, अब जब सब ऑर्बिटल में हॉरिजॉन्टल हो जाती है, फिर गिरना जब स्टार्ट करती है, तो ये वहाँ थोड़ा सा और नीचे आकर ये ब्लास्ट हो जाता है उसमें। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो ऑलरेडी जो मल्टीपल, उसने क्या होता है कि उस मिसाइल के अंदर मल्टीपल हमने वो रखे होते हैं वॉरहेड्स। वॉरहेड मतलब कि अगर हम नॉर्मल अगर उसमें एम्यूनेशन रखा तो नॉर्मल वाले होंगे, न्यूक्लियर रखा तो न्यूक्लियर रखे होंगे। तो एक मिसाइल के अंदर 5 या 6 वो होंगे बॉम्ब होंगे, और वो क्या जब फटने के बाद ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गिरना स्टार्ट करेंगे। तो यूजुअली जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस होता है ना, वो क्या करता है कि टारगेट करता है मिसाइल यहाँ से उड़ना स्टार्ट होंगी अग्नि को रोकने के लिए, चाइना से पाकिस्तान से जो भी होंगे, तो वो कितनों को रोकेंगी, एक को रोकेंगे, दो को रोकेंगी, और किस किस को रोकेंगी। अगर 5-6 हमने ऑलरेडी दे रखे हैं तो उससे 2 या 3 बच जाएंगे, और वो जो हमें टारगेट बताया होगा वहाँ पे आके गिर जाएंगे। तो इसलिए जो MIRV जो होता है मल्टीपली इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल होते हैं ये, तो ये उसको रोकने के लिए भी और एक साथ 4-5 टारगेट्स को कवर करने के लिए ये MIRV हर मिसाइल के अंदर रखा जाता है आजकल यूजुअली, ठीक है। तो ये हो गया, देन हमने अग्नि भाया के देख लो, ये इसमें 5000 वाला है, ये वेट वगैरह छोड़ दो, स्पीड देखो इसकी Mach 24 है, ठीक है। 3 स्टेज सॉलिड्स के अंदर इंजन होता है ये, ठीक है, न्यूक्लियर ओवल्सी कर सकती है ये। फिर अग्नि वाली जो फर्स्ट थी 700, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है 700, 2000, 2500, 3500 एंड 5500, ठीक है। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी आ गई, ये भी देखो आपको पता ही होगा 3 इसके वो वर्जन है, पहला तो आर्मी में है, दूसरा एयरफोर्स में, थर्ड वाला ये धनुष बोलते हैं नेवी के अंदर हो गया। ये पृथ्वी सरफेस है, 350 किलोमीटर की रेंज है, न्यूक्लियर कैपेबल है ये, सिंगल स्टेज है, और ये फर्स्ट मिसाइल थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। कुछ खास है नहीं पूछने का, बहुत पुराना हो चुका है ये। वरुणास्त्र लास्ट ईयर उन्होंने कोई अपने याद होगा सबमरीन होती है ऐसे, ठीक है, पानी में चल रही होती है, सामने से कोई भी शिप आ गया है, सबमरीन आ गई, जो भी तो टारगेट करने के लिए इनके पास टॉर्पिडोज होते हैं, ठीक है, एक लंबा से कैसे ट्यूब टाइप का एक सब होता है, एक हथी वो होता है, वेपन होता है, तो ये छोड़ देते हैं और ये जाके कहाँ टकरा जाता है कहीं पे जो भी उनका शिप आ रहा होता है उसको टॉर्पिडो बोलते हैं। ये एंटी सबमरीन टॉर्पिडो बनाया है इन्होंने, हम इंडिया का इंडिजिनस है, और ये वरुणास्त्र नाम है। वरुण का मतलब क्या होता है, ये जो गॉड ऑफ द वाटर, ठीक है, तो वरुण का अस्त्र मतलब पानी का अस्त्र, एक तरीके से पानी के भगवान का अस्त्र, तो ऐसे याद रख सकते हो। देन हमारे छोटे से टिडबिट अभी और देख लेते हैं। तेजस हमारा आपको पता ही है, इंडिजेनस वो है हमारा स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है ये, हैल ने, एडिया ने और अपने DRDO ने बनाया था ये, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट ये अपनी वो है। और याद रखना, इस याद ये रखना है कि हम इसमें एक MCQ ये बन सकता है कि वो डाल सकता है कि तेजस इज़ फर्स्ट इंडिजेनस एयरक्राफ्ट, बट नो, 24 मारुथ, ये 1970s के अंदर 24 मारुथ हमारा फर्स्ट इंडिजेनस एयरक्राफ्ट था जो हमने पहले ही बनाया था, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स के करप्शन से और हज़ारों नाटकों के कारण 24 मारुति काफ़ी अच्छा प्लेन था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद में आज तक हम कुछ नहीं कर पाए इस देश के अंदर। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है, बट 24 मारुति वाज द फर्स्ट, तेजस इज सेकेंड। अब एक से एक वर्ड और बार बार आता है न्यूज़ के अंदर, फ्लाइंग डैगर्स 45। ये जो फ्लाइंग डैगर्स 45 है ना, ये एक फॉर्मेशन का नाम है, दैट मीन्स कि जैसे यूनिट के नाम होते हैं आपने देखा होगा, जाट बटालियन, सिख बटालियन, ये बट ठीक है, ऐसे 4-5 बटालियंस हो गई, ऐसे ही इनके भी जैसे सुखोई वगैरह के हो गए अपने जो मिग हैं और जो अपने मिराज हैं और जगुआर हैं, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट वो स्क्वाड्रन होते हैं। तो जो तेजस के स्क्वाड्रन का नाम है वो रहेगा फ्लाइंग डैगर्स 45। तो इसमें जितने भी वो 50-60 जो भी प्लेन रहेंगे, वो जो उनके पायलट होंगे, वो जो उनको चलाएंगे, उनके जो स्क्वाड्रन का नाम रहेगा फ्लाइंग डैगर्स 45। ये आज का नहीं है, पुराना है, इसमें पुराना एक वो जो कोई प्लेन थे वो डिसकंटिन्यू हो गए थे और ये कई दिनों से उसमें यूज़ में नहीं था, तो उसको स्क्वाड्रन को दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बस इतना से याद रखिएगा। देन वी हैव प्रोजेक्ट 15B। अब वो सिंपल सा पूछा प्रोजेक्ट 15 में क्या है, ठीक है, उसमें फिर एक सोलर का डाल देगा, एक एनवायरमेंट का डाल देगा, एक कुछ और डाल देगा, ठीक है। हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये डिफेंस का प्रोजेक्ट है, हम एक शिप बनाने जा रहे हैं, एक नहीं सॉरी बहुत सारे, जिसमें कटिंग एज एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी। कटिंग एज का मतलब कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी बाकी किसी के पास में नहीं है और ये सामने वाले की जो टेक्नोलॉजी उसको उसको रोक सकती है एक तरीके से, ठीक है, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी और जो वर्ल्ड के जो बेस्ट शिप होंगे ना उनके कंपेरेबल रहेगी, उनके बराबर रहेगी ये, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी शिप बनाने की कोशिश में, फर्स्ट अभी कल परसों वो लॉन्च करने, मरमुड़गांव नाम का एक लॉन्च भी कर दिया था। देन वी हैव ये
एयरबॉर्न अर्ली वे वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया उन्होंने नेत्रा। आई थिंक इसमें ये नीचे वाला जो ये फोटोग्राफ जो है ना, ये उनका अपना नया नेत्रा उन्होंने स्टार्ट किया है। जो ये जो प्लेन दिख रहा है आपको नीचे वाले के अंदर, ये एम्ब्रर ये प्लेन है, ठीक है। और ये जो एम्ब्रर जो ये है, ये कंपनी है ब्राज़ील की। अब इमेजिन कर सकते हो कि ब्राज़ील वाले भी ये मतलब प्लेन बनाते हैं, बट नॉट इंडिया, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो सिंपल वाला है। फिर वो ये एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये अर्ली वाला कि फास्ट कोई भी एक्शन हुआ 15 मिनट 20 मिनट के अंदर चढ़ गया आकाश के अंदर, ठीक है। और बाद में वहाँ से हमने डाटा फीड करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका रियल यूज़ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये जो होता है नेत्रा, जो उसका नाम उन्होंने नेत्रा रखा है, ये एयरबॉर्न है अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। जब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि ये बॉर्डर है, यहाँ जोधपुर हो गया, ऊपर अपना ये पठानकोट है, देन वी हैव इधर कौन सा है ये अपना बठिंडा है, उधर फिर अपना सूरतगढ़ है। यहाँ पे क्या है कि अपने वो एयरफोर्स के ये हैं, ये एयर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ये सबको पता ही है, कोई बताने की उसमें कोई वो जरूरत वो छुपाने की जरूरत है नहीं। तो मान लो कि यहाँ से उन्होंने मिसाइल छोड़ी या उन्होंने कोई अपने एयरफोर्स पाकिस्तान में घुसा दिए इधर से, ताकि प्रीएम्प्टिव अटैक करने के लिए। तो मोमेंट फर्स्ट वार्निंग मिलते ही जो ये होगा अपना ये AEWCS जो है नेत्रा भाई साहब फटाफट उड़ जाएंगे जहाँ भी होंगे ये पोस्टेड, और आकाश में जाके ये फिर फटाफट क्या करेंगे, इसके ऊपर जो देखो जो ये डंडा सा लगा था ब्लैक कलर का, ये रडार है, ठीक है। ये रडार से क्या होगा, पूरा कंप्लीट उस जोन के अंदर क्या क्या उड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ग्राउंड के ऊपर जो बेस होगा उसको देना स्टार्ट कर देंगे। ग्राउंड पर रडार ऑलरेडी होते हैं, लेकिन वो रडार इतने मतलब उनकी रेंज नहीं होती है, ठीक है, इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं होती। लेकिन आकाश वाला क्या होता है, वो रियल के अंदर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकता है और आगे जाके भी दे सकता है, ठीक है। रडार को जो होगा ऑलरेडी वो बेस्ड होगा, तो वो बॉर्डर के ऊपर होगा या अपने सिटीज़ के आसपास होगा, ये और भी आगे जाके ऊपर नीचे करके दे सकते हैं, तो इसके लिए उनका यूज़ है। और नॉर्मल वाला जो होता है वो थोड़ा सा लेट उड़ेगा, बिकॉज बड़ा प्लेन है, टाइम लगता है वगैरह करने में। और जो बड़ा वाला होता है वो 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन देता है कि वो यहाँ पे उड़ रहा होगा तो चारों तरफ का देगा। ये जो अपने जो ये वाला नेत्रा जो है, ये जो जहाँ से उड़ रहे होंगे ना, वो इतना ही एरिया का इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, पीछे वाला इसका पार्ट का नहीं दे पाएंगे वो, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। देन वी हैव S-400, बार बार न्यूज़ में आता है, रशिया से हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है चाइना के, चाइना ने इसको ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है, हम भी चाह रहे हैं, बट देखो क्या होता है। BRAC-8 हमने ये इसराइल से खरीदी है मिसाइलें, ठीक है। यूजुअली शिप्स के ऊपर लगाया जाएगा ताकि किसी आने वाले मिसाइल से या जो प्लेन्स होंगे उनसे बचाव किया जा सके। देन हमने एक वो US में रशिया को अपना को खुश करके हमने एक ये कामोव का 26 हेलीकॉप्टर को बोला है कि भैया इंडिया के अंदर बनाना स्टार्ट कर दो, तभी खरीदेंगे हम, ठीक है। ये हैवी लिफ्ट करने वाले वो होते हैं मल्टी रोल इनका, ठीक है, इतना याद रखें। फिर धनुष एक तो ऑलरेडी बता दिया था पीछे मैंने, एक और ये क्या आर्टिलरी गन्स बना रहे हैं। आर्टिलरी गन का मतलब क्या होता है, तोप, ठीक है। आपको पता होगा, आपने सबने तो वो देखी होगी जो ये है जो बड़ी बड़ी अपनी तोपें होती हैं, वन ट्वेल्व वन फोर्टीन एंड देन 130 mm की जो आर्टिलरी गन्स होती हैं बोफोर्स जैसे, एंड देन हम अभी नई गन खरीद रहे हैं USA से हाउइज़र, ठीक है। तो ये जो गन्स होती हैं, जो तोप होती हैं एक तरीके से, ठीक है, ये खरीदने हमारी इंडिया ने एक इंडिजिनस बनाई है, ठीक है। एक ऐसा बैरल निकला होता है, यहाँ पे एक मशीन सी होती है, उसमें दो ऐसे वो स्टेबल पॉड टाइप के होते हैं और अंदर ये फायर करती हैं। इनकी रेंज यूजुअली जो होगी धनुष की ना, वो 40 किलोमीटर होगी, यहाँ से गोला फायर करेंगे 40 किलोमीटर दूर जाके गिरता है वो, ठीक है। बट बाकी जो अपनी जो छोटी वाली जो होती हैं, जो इसको बोलते हैं फील्ड आर्टिलरी गन बोलते हैं, उनकी रेंज होती है 17 किलोमीटर, मीडियम वाले की होती है 36 किलोमीटर, ठीक है, 30 टू 36 हो गया। देन बोफोर्स वाले की होती है 40 किलोमीटर, ठीक है। और ये धनुष की बोल रहे हैं कि ये भी 40 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। ये बोफोर्स बेस्ड ही है, स्वीडन से जो हमने टेक्नोलॉजी ली थी, जहाँ से भी ली थी वहाँ से मैंने बना रहे हैं इसको। देन वी हैव अभी कल परसों बहुत सारे सोनार सिस्टम लॉन्च हुए थे, जिनके नाम थे अभय, हमसा, 8 NSES। तो ये सिंपल से MCQ बना सकता कि ये क्या है, तो अगर हमें पता होगा तो हम बता सकते हैं सोनार सिस्टम है। सोनार सिस्टम पता ही होगा, ये अपने जो पानी के अंदर हम चल रहे होते हैं तो उसमें हम रेज फेंकेंगे तो टकरा के जब लौट के आते हैं तो पता चलता सामने क्या आ रहा है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी अगर आपने वो मेरा डॉल्फिन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें कवर हो चुका है, इंडिया आर्मी के सेकंड वीडियो नंबर में सोनार सिस्टम सारा। देन वी हैव INS विक्रमादित्य। राइट नाउ कैरियर क्या होता है, शिप कैरियर, ये एक तरीके का समुद्र में तैरता हुआ एक ऐसा शिप होता है, जैसे प्लेटफॉर्म बना होता है, आपने देखा होगा यू, ठीक है। ये पानी में तैर रहा होता है ऐसे, उसके ऊपर हमारे ऐसे शिप रखे होते हैं बहुत सारे, सॉरी प्लेन रखे होते हैं, ठीक है। तो अभी तो पहले तो हमारे पास जो प्लेन थे वो तो हमने हटा दिए हैं, अभी नए वाले जो प्लेन आए हैं हमने रशिया से ले रखे हैं MiG-29। तो MiG-29 को हम इस शिप पे वो कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और ये प्लेन पे एक स्ट्रिप सी लंबी सी होती है, यहीं से प्लेन उड़ते हैं और यहीं पे घूम घाम के जो आ जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो उससे क्या होता है कि हम मान लो हमारा प्लेन उड़ना है कहाँ से, जोधपुर से या मुंबई से जो भी उड़ना होता है, तो वो पाकिस्तान में जाकर अटैक करने में उसको बहुत जोर आएगा,
ठीक है, वो बहुत दूर है, और यही सिप अगर आधे रास्ते पहुंच गया और वहां से अटैक करेगा तो बहुत पास पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल इसका तरीका होता है। हमने ऑलरेडी अभी कल परसों उन्होंने हमने INS विराट को एक ये रिटायर कर दिया था, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप था, और एक INS विशाल और विक्रांत ऑलरेडी बन रहे हैं हमारे पास। चाइना ने अभी आपको न्यूज़ में देखा होगा सेकंड अपना जो इंडिजिनस उनका खुद का ये कैरियर उन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो इंडिया को जल्दी करना चाहिए कुछ ना कुछ। फिर अब प्रोजेक्ट 15D बताया था मैंने, 15B बताया था आपको मैंने, ये शिप वाला था। अब वी हैव प्रोजेक्ट 75, इसमें क्या कर रहे हैं हम, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं। अब स्कॉर्पियन क्लास क्या होती है, ये फ्रांस की एक कंपनी है, ठीक है, और वो फ्रांस की कंपनी है, वो स्कॉर्पियन क्लास की वो सबमरीन बनाती है। तो हमने क्या कर रखा है कि उनको अपने वो पैसे वैसे दे दा के जो उसकी क्लास के हिसाब से हम इंडिजिनस थोड़ा सा कर करा के वो एक अपने इंडिया के अंदर वो सबमरीन बना रहे हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, जो भी मिलके, ठीक है। तो ये फ्रांस की वो सबमरीन का नाम है स्कॉर्पियन। अभी कल परसों हमने खांडेरी सबमरीन लॉन्च कर दी थी, हमने कलवारी लॉन्च की है, ये भी डीजल है, ये स्टेल्थ है, फर्स्ट इंडिजिनस थी कलवारी, ठीक है। लेकिन जो हमें ये मेन जो याद रखना है वो है INS अरिहंत। अरिहंत जो है ना वो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये फर्स्ट इंडिया की इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स हमने रख रखी हैं, इसका फुल ये कि SSBN होता है, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। इसका मतलब ये होता है शिप जो पानी के अंदर सबमर्स हो जाए, मतलब छुप डूब जाए, तो ये सबमरीन डूब सकती है, पनडुब्बी जो होती है अपनी, और ये बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल जो होती हैं फायर करती हैं। इनका मेन यूज़ क्या होता है, एक होता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये बॉर्डर है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, उन्होंने फायर कर दिया, मिसाइल फायर कर दी, न्यूक्लियर मिसाइल और एटम बम गिर गए और 4-5 जगह हमारे सिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। देन ये तो हो गया अपना, यह मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे हमने मिसाइल स्टोर कर रखी है जोधपुर में एंड इसमें भोपाल में जो भी है, और वहाँ उन्होंने टारगेट कर लिया, तो हमारी आधी मिसाइल तो ख़त्म हो गई। तो फिर हमारा इंडिया को तो रिटेलिएट तो करना पड़ेगा, हमने तो बता के रखा हुआ है कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा न्यूक्लियर बम से तो हम दोबारा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए, अगर सिटीज़ खत्म हो गई, हमारी आर्मी के बंदे मर गए, कुछ हो गया, कुछ पंगा हो गया जिसके कारण हम फायर नहीं कर पा रहे हैं लैंड से, तो सबमरीन जो छुपी हुई होगी पानी के अंदर वो वहाँ से फायर कर सकती है पाकिस्तान के ऊपर। इसको बोलते हैं कि अश्योर्ड, मतलब करेगी ही करेगी, वो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सेकेंड स्ट्राइक मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान ने फर्स्ट कर दिया तो आपको रिप्लाई में करना पड़ेगा, तो वो कैपेबिलिटी यहाँ से आती है। इसके अंदर अपना प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर याद रखना, और विद इनरिच्ड यूरेनियम हम कर रहे हैं। एक कल परसों बाहर न्यूज़ में आ रहा था स्वाति स्वाति स्वाति, तो ये स्वाति क्या है, ये वेपन लोकेटिंग रोड आ रहे हैं, ठीक है। अब ये भी समझाना पड़ेगा, अब ऐसे बॉर्डर है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ मान लो हमारी आर्टरी गन है जो बताया था मैंने, फोर्स की जो तोप होती हैं या जो अपनी धनुष आ रही है, ये फायर कर रही हैं इधर से, ऐसे ही पाकिस्तान के पास भी वो फायरिंग वो हैं वहाँ गन है वो फायर कर रही हैं। अपने पास में एक अच्छा रडार है नहीं वेपन लोकेटिंग वाला, अगर हम स्वाति को यहाँ लगा देंगे तो स्वाति क्या करेगा, द मोमेंट वहाँ से फायर होगा ना, जो गोले निकलना स्टार्ट होंगे ऐसे हमारे तरफ, तो वो उन गोलों का जो ट्रेजेक्ट्री होता है कि वो कहाँ से फायर हुए हैं, क्या कैसे आएंगे, कहाँ गिरेंगे, वो डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, प्रेडिक्ट करेगा, और पता लग जाएगा उसको कैसे यहाँ से हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, तो वो फिर अपने जो बटालियन बैठी है उनको बताना स्टार्ट कर देगा कि ये हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, जहाँ से फायर आया है ना उठ के वहीं पर एकदम टारगेट कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो जो पता लग गया कहाँ से आया, और फिर स्वाति ने उनको हेल्प भी कर दी कि आप यहाँ पे इस पे मारो तो यहाँ गिरेगा, और जो यहाँ करने से उनका जहाँ से फायर आ रहा था वो अगर वहाँ पे जो अपनी ये बैटरीज होती हैं इनकी आर्टिलरी की ना गनों की, आई थिंक हर बटालियन के पास में 18 गन 20 गन ऐसे होती हैं, और छः गनों की बैटरीज होती हैं 3-4, ठीक है। तो वो जो होंगी उनकी जो बैटरीज होंगी, जो बैटरी के मतलब यूजली उसमें अराउंड 100 मीटर्स या 200 में 200 या 300 मीटर के अंदर बैठी होती हैं, अगर वही ख़त्म हो गई तो फिर फायर करने के लिए बचा नहीं वहाँ पे कुछ। तो ये एक तरीके का वेपन लोकेटिंग रडार है, समझ गए मेरी बात। अब आता सोलर इन शिप, एक पहला इंडिया में एक शिप था जिसके ऊपर हमने क्या बोलते हैं कि सोलर के वो लगाए हैं पैनल्स, ताकि हमारा जितने उसमें कुछ कुछ पार्ट या जो मैक्सिमम पार्ट है वो सोलर एनर्जी चल सके। उसका नाम है INS सर्वेक्षक। ये सर्वेक्षक है, दैट मीन्स कि ये केवल रिसर्च करने वाला और इधर उधर रिकनेंस करने वाला एक छोटा सा जहाज़ है। ये हमने ऑलरेडी बता ही दिया था, ऊपर वाला तो आपको पता ही है, ये AVAX बोलते हैं इनको, ठीक है। ये 360 डिग्री करता है, ये वाला बताया छोटा वाला तो ये 240 डिग्री करता है। हाँ, अब आगे हो ना BMD, ये आता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस होता है इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आकाश से मिसाइल आ रही है, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे बॉर्डर है, ये चाइना है, चाइना ने यहाँ से मिसाइल फायर कर दी, अब वो यहाँ पे आके गिरेगी ऐसे, ठीक है, दिल्ली के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर हमने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बना लिया है, तो हमने यहाँ पे एक वैसे उसमें बैटरी बिठा दी, ये बैटरी यहाँ बिठा दी, पहली वाली होगी पृथ्वी की बैटरी, दूसरी होगी अश्विन की बैटरी,
ठीक है। तो यूजुअली जो ये मिसाइल होती हैं, ये होता है ये पार्ट मान के चलें, ये है एटमोसफेयर, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, वो बाहर एटमोसफेयर के बाहर का पार्ट है, मतलब ऑर्बिट के अंदर, ऐसा बस सब ये सही घूम रही होती हैं अपनी, क्या सेटेलाइट वगैरह। तो ये जब आ रही होगी तो जो पृथ्वी का जो काम है उसका काम है एक्जो, मतलब एक्जो एटमोस्फेरिक वाला, कि एटमोसफियर से बाहर जाके अटैक करेगी ये। तो अगर मिसाइल ऐसे आ रही होगी तो यहाँ से पृथ्वी उठेगी और उसको ये बाहर कहीं भी जाकर टकराने की कोशिश करेगी, ताकि ये मिसाइल यहीं ख़त्म हो जाए और अपने इंडिया में आके ना गिरे। और अगर पृथ्वी अगर नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है, तो जब एटमोसफियर में जब घुस जाएगी ये, तो अपना अश्विन या एडवांस एयर डिफेंस काम करना स्टार्ट कर देगा, और एंडो एटमोसफेरिक, एटमोसफेरिक के अंदर, ठीक है, लेस देन 30 किलोमीटर। तो ये 30 किलोमीटर नीचे कम का पार्ट है, यहाँ से ये फायर करेगा और ये यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगा इसको आसपास, ठीक है, ताकि ये यहीं पे ख़त्म हो जाए और धरती पे केवल टुकड़े गिरे, ना कि रियल वाला बम। बिकॉज बम के लिए क्या है, डेटोनेशन होना चाहिए, धरती पे जब टकराएगा जाके तभी डेटोनेट होता है, इसको ऊपर ही हमने अगर ऑलरेडी तोड़ दिया तो डेटोनेट नहीं होता है, या अगर एटम हो भी गया तो एटमॉस्फेयर में होने से एटलीस्ट बहुत कम इफेक्ट होता है, एटलीस्ट 30% इफेक्ट ही होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर, एंड काफ़ी मतलब डैमेज कम हो जाएगा। तो छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, पृथ्वी वाला ऊपर अश्विन नीचे, ये हो गया। देन एक बार बार न्यूज़ आ रही है एस्ट्रा, एस्ट्रा लास्ट में चल रहा था और एक माइका चल रहा है। तो ये एस्ट्रा जो क्या होता है, अपना जो प्लेन है ना सुखोई प्लेन, आपने देखा होगा, ठीक है, जब वो प्लेन उड़ता है तो वहाँ से वो मिसाइल बनाई है स्पेशली अपने एयरप्लेन के लिए, जो फाइटर एयरप्लेन्स हैं उनके लिए एक एस्ट्रा नाम की मिसाइल है, ठीक है। ये क्या करती है, एयर टू एयर तोड़ती है, कि एयर से ही निकलेगी और एयर में टकराएगी जाके, ठीक है। तो एयर में जाने के लिए इसको ऑब्वियसली जो फाइटर जो अपना एयरप्लेन होगा वही निकाल सकता है इसको, ठीक है, प्लस ये इंडिजेनस है। और उसमें दूसरा याद रखना, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब क्या होता है, बी वी आर का बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब होता है कि मान लो कि यहाँ जहाज ऐसे उड़ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे है, तो जहाज़ का तो मतलब कि उसको दिखना तो कम कितना होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे 3 किलोमीटर जितना दिख रहा होगा बंदे को, अपने इसको पायलट को, लेकिन जो उसका रडार जो होता है ना वो काफ़ी मतलब 100 किलोमीटर तक वो देख सकता है क्या चल रहा है। तो जो एस्ट्रा होगी वो जब उसने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ प्लेन आ रहा है, इसको नहीं दिख रहा होगा पायलट को, बिकॉज वो विजिबिलिटी बहुत कम होती है ऊपर, वैसे भी इंसान की नज़र कम ही होती है, तो रडार के थ्रू अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो एस्ट्रा मिसाइल फायर कर देगा। तो वो एस्ट्रा मिसाइल ना उसकी आंखों के और दूर जाके, जहाँ उसको दिख नहीं रहा होगा वहाँ जाके उसको जो प्लेन आ रहा होगा या कुछ और आ रहा होगा उसको वहीं पर रोक देगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एस्ट्रा और माइका का, ठीक है। देखते हैं अपना स्पेस, ठीक है, स्पेस के अंदर क्या है कि यूजुअली हमारे पास जो इंडिया का जो इसरो का जो वर्क हॉर्स बोलते हैं वो तो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसमें चार स्टेजेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये PSLV है इधर और ये GSLV है। पहला जो स्टेज है उसका, ये दोनों सॉलिड हैं उसके अंदर, और दोनों के अंदर सेकंड वाली कौन सी है, अपनी लिक्विड वाली, इसको हाइपरगोलिक बोलते हैं, इसका विकास भी नाम उन्होंने रख रखा है। थर्ड स्टेज जो है इस अपनी PSLV की, वो सॉलिड है, और चौथी भी वो है हाइपरगोलिक आ गई फिर। तो ऐसे याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ये तो PSLV का हो गया। अब देन वी हैव ये अपना GSLV, ये जो भाई साहब हैं उसकी फर्स्ट स्टेज है अपनी सॉलिड, दूसरी अपनी हाइपरगोलिक, और थर्ड में क्रायोजेनिक आ जाएगा, और चौथी इसमें होती नहीं है। तो ये तीनों चार चीज़ हो गई अपने के अंदर। इसमें याद रखना, इसमें बूस्टर होते हैं वो सॉलिड के होते हैं, और इसके वाले बूस्टर होते हैं वो लिक्विड के होते हैं, एक ठीक है। अपना यहाँ पे एक दो MCQ जो ये थे वो अपने यहाँ पे कवर हो चुके हैं अपने, PSLV सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ये अपना सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक हो गया। दोनों के बूस्टर पता है हमको, उसमें सॉलिड है और उसमें अपने GSLV के अंदर लिक्विड है। अब अपना ये आ गया, यूजली PSLV जो चार स्टेज हमने कवर कर ली, इसके अंदर अब ये देखिएगा, ये अराउंड 1750 किलोमीटर की, ये KG के आसपास, ये अपना जो पोलर ऑर्बिट होता है, सन सिंक्रोनस होते हैं, जो नीचे वाले जो अपने ऑर्बिट होते हैं लो अर्थ वाले या मीडियम अर्थ वाले, वो यहाँ तक कवर कर देता है। और जो ऊपर वाले जो होते हैं अपने, जो 35 to 36,000 वाले जो जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी होते हैं, वहाँ पर ये 1000 से 1500 किलोमीटर, ये सॉरी ये गलत दिया आई थिंक, यहाँ पर ये आई थिंक 2000 के आसपास है, और नीचे वाले में 1000 से 1500 के आसपास वाली, ये ऊपर यहाँ दे पाता है, मतलब ऊपर लॉन्च कर पाता है ये। तो बिकॉज की PSLV की ज़्यादा मतलब उसमें पावरफुल है नहीं वो, तो वो ऊपर जाएगा तो फिर जो लोअर अर्थ है ऑर्बिट है वहाँ अपना ज़्यादा वेट दे सकता है, और ऊपर जाएगा तो उसके लिए फिर कम वेट ही लेके जा पाएगा वो, ठीक है। अभी तीन रिसेंट लॉन्चेज हुए थे अपने, C-37 PSLV के, C-36 एंड C-35। जो पहला 35 वाला जो हुआ था, आपको पता होगा, इसने दो डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर उसने वो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। उस 36 में उसने रिसोर्स सैटेलाइट की लॉन्च की है, और C-37 के अंदर इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया था, उसमें 104 सैटेलाइट को उसने एक साथ लॉन्च किया है, और उनमें एक कार्टो स्टैट भी थी। तो याद रख लेना, 35, 36, 37, टू ऑर्बिट रिसोर्स सेट एंड देन 104 सैटेलाइट्स विथ कार्टो स्टैट। देन वी हैव अपना ये आ गया। अब कुछ ऑर्बिट्स होते हैं ये, अपने डायग्राम देख लो इसके अंदर आप, ठीक है, इधर वाले में देखेंगे आप समझ में आ जाएगा आपको। एकदम अर्थ के पास वाला है ये लो अर्थ ऑर्बिट है, थोड़ा सा बाहर गए तो आ गया मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और चले गए तो अपना ये आ गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट,
ठीक है। अब जो एक हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है तो उसमें देखोगे आप यहाँ पे एक तो बहुत पास में आएगा और एक बहुत दूर आएगा ये, ठीक है। ये ऐसे है, इधर भी आप देख सकते हो लो अर्थ उसने बताया कि एकदम पास वाला है, फिर अपना जो पोलर ऑर्बिट होगा पोलर एरिया के अंदर घूमता है ये, ठीक है। तो मतलब जो दोनों पोल हैं उसके ऊपर चारों तरफ घूमता रहेगा। फिर एक ये अपना ये इधर आ गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आ गया, तो ये यूजुअली जो अपनी जो जो इक्वेटर है उसके चारों तरफ घूमता रहेगा, ठीक है, उसके आसपास मान लो, ठीक है। सेंट्रिक होता है, सेंट्रिक में क्या होता है कि वो सेंटर में रहेगा, एक थोड़ा सा एक एरिया तो जो अपनी जिसमें ये अपना एक तरफ तो पेरिजी दूर चली जाएगी और एक में एपोजी पास में आ जाएगी टाइप, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट की आप वो देखो, आई थिंक आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इसके अंदर लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है वो 100 से लेके 1500 किलोमीटर के बीच में है। मीडियम आ गई 5000 से 10000, लेकिन मीडियम के अंदर कहीं कहीं पे 20000 किलोमीटर भी सॉरी ये भी उन्होंने वो देखने को मिलता है। देन वी हैव अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये जो है 36000 के ऊपर है, 36000, और हाईली इलेप्टिकल तो पता ही है आपको, ये एक तरफ पास आएगा एक तरफ दूर चला जाएगा वो अर्थ से। देन वी हैव ये जियो सिंक्रोनस क्या होता है और जियो स्टेशनरी क्या होता है, ये दोनों पता होना चाहिए आपको। जियो सिंक्रोनस आपको याद रखना है, ऐसा ऑर्बिट अर्थ के चारों तरफ जो अर्थ की जो अपने जो साइड वाली रोटेशंस होती हैं, मतलब कि जो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, उसको मैच करे वो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब मैच करेगा तो वो उसके इसमें ऐसा लगेगा कि जो जो अर्थ की जो जो उसके साथ साथ चल रहा होगा वो, तो अगर जीएसओ जो सिंक्रोनस वाले को आप देखोगे तो वो अर्थ में आकाश में ऐसे मूव कर रहा होगा जैसे फिगर 8 वो होता है, ठीक है। और एक जगह हर जैसे कि दिन में 1 बजे, तो आपको 1 बजे वो रोज 1 बजे एक ही जगह मिलता हुआ मिलेगा, फिर 4 बजे शाम को तो और वो एक दूसरी जगह मिलेगा, लेकिन वो हर रोज 4 बजे एक ही जगह मिलता है, तो एक तरह से जियो सिंक्रोनस टाइप का हो गया, ठीक है। और इसका जो पीरियड होगा अर्थ की तरफ और जो घूमने वाला वो अर्थ की रोटेशन के बराबर होता है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। और जो ये सैटेलाइट होती है इस ऑर्बिट के अंदर वो प्लैनेट के किसी एक पार्ट को एक साथ देखती रहेगी लगातार हर टाइम, हर टाइम के ऊपर, ठीक है। तो आपको अगर आपको दिख रही है आकाश के अंदर एक जगह खड़ी हुई, तो वो भी तो अपने आप अर्थ को एक जगह को बार बार मतलब एक टाइम लगातार देख सकती है, राइट। फिर जियो स्टेशनरी आ गया, तो इसमें तो क्या होगा, वो एट शेप के अंदर मूव कर रही होगी वो, ठीक है, ऊपर आकाश के अंदर आप देखोगे तो। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो पार्ट है ना जियो स्टेशनरी वाला ऑर्बिट वाला, वो एक ही जगह रहेगा कम्प्लीटली। और जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है इसका एग्जैक्ट याद रखना है 35786, ठीक है, और एकदम अर्थ के इक्वेटर के ऊपर होगा और कम्प्लीटली अर्थ के रोटेशन को फॉलो कर रहा होगा साथ साथ, और वो हमेशा हर टाइम पर एक ही जगह बैठा मिलेगा आपको। जैसे ऊपर वाला 8 था कि वो 1 बजे यहाँ था, 2 बजे यहाँ था, 3 बजे यहाँ था, 4 बजे यहाँ था, तो ये दिखता था वो, लेकिन ये वाला एक ही जगह रहेगा हर टाइम के ऊपर, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रैकिंग इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई देगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो पता ही होगा आपको एकदम, वो जरूर याद रखना 35786 35786 किलोमीटर। देन वी हैव अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दोबारा मैं इसमें लिख दिया है फिर मैंने, ठीक है। ऐसी कोई सैटेलाइट या जो एक ही जगह अर्थ के अर्थ से हम देखेंगे तो वहीं देखते हुए मिलेगी हमको 35786 90 जो भी है उसकी, और वो अर्थ के साथ 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 जैसे अर्थ घूम रही है इधर, तो ये भी ऐसी घूम रही होती है, ठीक है। इसलिए अगर हम धरती से देखेंगे तो वो हमें एक जगह खड़ी हुई मिलेगी, अलग तारा है जो यूजली हम इतना कि वो हिल नहीं रहा होता है। और ये हम करते किस लिए यूज़ हैं जियो सिंक्रोनस को, बिकॉज ये हमारे आकाश में लगातार मौजूद है, कहीं इधर उधर नहीं जा रही है, मतलब कि छुप छुप नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो वेदर इवेंट्स होते हैं, जो मौसम के अंदर चेंजेज आ रहे हैं, टीवी जो होता है हमारा, कम्युनिकेशन जो मोबाइल वाले सिग्नल हो गए, जो सैटेलाइट वाले सिग्नल हैं, सैटेलाइट जो फ़ोन होते हैं, अब इनको क्या होता है, इनको लगातार सिग्नल चाहिए, ये तो अपने हिसाब से चल नहीं सकता ना कि हम 2 घंटे देंगे 2 घंटे नहीं देंगे। तो ऐसे के लिए जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी वाली जो सैटेलाइट होती है उनको यूज़ किया जाता है वेदर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, टीवी के लिए। नाउ पोलर आ गया, तो जैसे अर्थ ऐसे है गोल, अपने डायग्राम बता दिया था, तो ये जो जियो सिंक्रोनस है यूं घूमेगी, ठीक है, लेकिन पोलर वाली यूं घूमती है आकाश के चारों तरफ ऐसे, ठीक है, बिकॉज वो 2 पोल जो है अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल उनके चारों तरफ घूम रही होती है। तो ये क्या करती है, अब उनके पास या तो ऊपर से या उनके थोड़ा सा साइड से पोल अर्थ उनके आसपास घूम रही होती हैं। अब हम इसका इंक्लिनेशन देखें, बिकॉज अर्थ तो इधर है, सॉरी इक्वेटर तो इधर है, तो जो एंगल बनेगा इसका घूमने वाला वो 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है, टू द इक्वेटर। और ये क्या करता है कि ये जो ऊपर से आकाश में घूम रहे होंगे ना, ये पूरे अर्थ को कि हर पार्ट को पूरे एक रोटेशन में, पूरा जो एक चक्कर होगा उसमें हर पार्ट को एक बार जरूर देख लेंगी पूरे दिन के अंदर। और पूरा जो ये जो पूरा चक्कर होता है जो पोलर वाला, वो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा एक चक्कर लगा लेती हैं पोलर वाले उसका, ठीक है। और ये चेक क्या करती हैं, ऑब्वियसली पोल के ऊपर जा रही हैं तो वहाँ पे ओजोन का सेंटर देख लेंगी, टेम्परेचर देख लेंगी, फोटोग्राफी देख लेंगी, मैपिंग कर लेंगी,
और ये क्या करते हैं, स्पाई भी कर सकती है, बिकॉज आप पूरा पूरी प्लानट का हर पार्ट को देख पा रही हैं। तो ऐसे ये LEO के अंदर भी होता ही है, ऐसे ये लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही पोलर ऑर्बिट भी होता है एक, तो वहीं रिमोट सेंसिंग भी कर सकते हैं, स्पाइंग भी कर सकती हैं। तो जैसे जितनी मिलिट्री सैटेलाइट होती हैं वो बहुत ही नीचे वाले लोअर अर्थ में लगाई जाती हैं, और कई कई जो होती हैं वो पोलर वाले में डालते हैं। ठीक है, तो छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था। देन वी हैव ए मिडिल अर्थ ऑर्बिट, तो हमने लोअर वाला कवर किया था कि वो 100 से 1000 वाला है, और ये जो भाई साहब है 2000 से 10000 बता रहा था, लेकिन रियल में मिडिल और अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो 20000 किलोमीटर तक भी जाता है। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ करते हैं मिडिल वाले, नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एंड जी अपने स्पेस एनवायरनमेंट वगैरह जो साइंस होता है उसके लिए। नेविगेशन मतलब कि आपको GPS वाला जो काम हो गया, कम्युनिकेशन मतलब जो मोबाइल वाला हो गया, सिग्नल चाहिए होते हैं, TV चाहिए होता है। तो जो GPS वाले जो है, GPS किसका है, USA का है, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम बोलते हैं उसको, आपके मोबाइल में GPS वाला है। ठीक है, ऐसा ही एक और है ग्लोनास है, ग्लोनास किसका, रशिया का है। देन वी हैव गैलीलियो, ये किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। देन अभी वो आ गया, चाइना ने अपना खुद का लॉन्च किया है बीडू। ठीक है, इंडिया ने क्या लॉन्च किया, अपना नाविक। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये जो है मिडिल अर्थ ऑर्बिट के अंदर 20000 किलोमीटर के आसपास इनकी वो है, जैसे ने बताया होगा GPS तो है 20000 के आसपास है, और जो अपना ग्लोनास है चाइना, सॉरी ये रशिया वाला, ये 19100 पे है, और गैलीलियो जो यूरोपियन होने वाला 23000 के ऊपर है। तो जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो होती है ना, वो जो ये वाली, अगर हम नॉर्थ और साउथ पोलों को कवर कर रहे हैं तो वो भी MEO के अंदर ही आएंगी। ठीक है, फिर एक और होता है, ये तो हो गया लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एंड देन आ गया हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई का मतलब ये होता है कि और ऊपर, ये जो जियो अपना CEO होता है ना, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है 35786 के ऊपर, ये उसके भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अर्थ का मतलब ये कि ये जियो सिंक्रोनस था, उसके भी ऊपर चला गया, तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट हो गया। फिर एक भाई साहब होते हैं अपने, मैंने उसमें डायग्राम में देखा था, हाईली इलेप्टिकल, मतलब एक तरफ तो ये पास में आ जाएगा, ठीक है, और एक तरफ ये दूर चला जाएगा। तो ये हो गया, तो जो अपना ये पास वाला होता है उसको पेरिजी बोलते हैं, और दूर वाले को अपना एपोजी बोलते हैं। ये जो क्या करता है कि मान लो कि कई बार क्या होता है, जैसे रशिया है, तो रशिया का ऊपर जो मैक्सिमम पार्ट तो नॉर्थ, उसमें पोल में, तो ये इस तरह से बनाया जाता है कि एक तरह दूर रहेगा पास रहेगा, तो उस चक्कर में जो ये दूर वाला जो पार्ट है ना, वो कंटिन्यूस सप्लाई देने के लिए उस एरिया को जो मतलब कि पोल के पास में है, तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने जानबूझ के हाईली इलेप्टिकल उन्होंने ऑर्बिट के अंदर अपने सैटेलाइट छोड़ के रखे हुए हैं रशिया ने। इतना याद रखना, नॉर्थ पोल जो पोल के आसपास का पूरा, उसमें नॉर्थ पोल के पास में है वो, और वहाँ पे जो बाकी सैटेलाइट होते हैं कवर देती नहीं ढंग से, तो उन्होंने जानबूझ के रशिया ने हाईली इलेप्टिकल उसमें ऑर्बिट में डाल के रखी हुई है। नाउ एक और ऑर्बिट होता है सन सिंक्रोनस। सन का मतलब होता है ये सन के साथ चलेगा, उसकी सिंक्रोनिटी को मेंटेन करेगा, इसको हेलियो सिंक्रोनस ही बोलते हैं। ये ऐसा होगा कि हम धरती से बैठ के अगर देखेंगे उसको अर्थ से, तो सैटेलाइट ऐसे पास कर रही होगी आकाश के अंदर सूरज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो हम उसको लगातार सन की लाइट के हिसाब से वो देखने के लिए होती हैं, कि जैसे कि अर्थ के ऊपर देख रहे होंगे या 2 बजे कहाँ पे, तो वहाँ बैठी हुई है, तो वो सन सिंक्रोनस हो जाएगा। और ये इमेजिंग के लिए, स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए और वेदर सैटेलाइट के लिए वो की जाती हैं। देन एक हाँ, इसके अलावा फिर हमारे पास भी एक रेडिएशन बेल्ट और मिलती है, आपको पता होगा अर्थ के चारों तरफ अगर हम ऐसे देखें तो चारों तरफ वो रेडिएशन बेल्ट हैं ऐसे दो। एक सेकंड, इसमें डायग्राम भी है ये वाला। तो हमने ऑर्बिट तो देख लिया था ऑलरेडी, हमने जियो तो सिंक्रोनस ऑर्बिट था वो 35786 था, मिडल अर्थ हमें बता दिया 5 से 20000 किलोमीटर आ गया, लोअर अर्थ वाला और भी कम हो गया, तो ये आसपास हो गए। तो उसमें दो बेल्ट है यहाँ पे, एक आउटर वो बेल्ट है और एक इनर ये बेल्ट है। तो इनर वाले जो है 1500 से 5000 किलोमीटर के बीच में है, और जो आउटर है जो वॉन एलन बेल्ट है ये 15000-20000 के बीच में है। तो ये दिख गई हमको आपको, ये जो बेल्ट है इनका काम क्या है। ठीक है, ये तो इसमें बता दिया 1000-6000 मान लो या 5000 मान लो, यहाँ से आ गया ये 15000 से 60000 के बीच में आ गया। ये जो बेल्ट क्या करती हैं, ये एक ऐसे बेल्ट हैं जिनके अंदर क्या होगा, एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आए थे पहले, कभी किसी टाइम पर सोलर विंड आई होगी इधर, सोलर विंड मतलब कि जो सूरज से निकले हुए, सन से निकले हुए जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं कई बार, और जो अपना जो पार्ट कुछ कुछ मेटल छोड़ता रहता है वो कंटिन्यूसली धरती की तरफ या किसी सोलर फ्लेयर के साथ साथ में, तो कभी अर्थ की तरफ आए होंगे तो अर्थ ने उनको पकड़ के रख लिया अपने चारों तरफ। ठीक है, तो वो कैप्चर कर लिया ये देखिए, एंड उन्होंने अर्थ ने अपने हेल्ड अराउंड कर लिया अपने चारों तरफ, उसको लपेट कर लिया एक तरीके से, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था उसने वो लपेट लिया है। तो ऐसी जो ये टू सच बेल्ट चाहिए। ठीक है, तो बता दिया नाम किसने रखा है, वॉन एलन बेल्ट। ये क्या करते हैं कि वो सोलर विंड से आए थे, लेकिन इससे क्या होता है कि अब क्या करता है कि एक बार आ तो गए वो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि इनको जो एनर्जी पार्टिकल यूज़ करता है, जो बाकी जो आएंगे ना उनको डिफ्लेक्ट करता रहे वो, मतलब कि पार्टिकल सोलर विंड से अगर अर्थ की तरफ आएंगे तो बहुत पावरफुल होते हैं वो, और धरती के अंदर घुस गए तो हमारे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट हो गई, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, या इवन हम नॉर्मल इंसानों को भी काफ़ी वो हार्म पहुंचा सकते हैं। तो जो वॉन एरन बेल्ट होती है ना, इसको यूज़ करती है और उनको दूर रखती है। ठीक है,
देन इसमें एक छोटा सा चीज़ और था, ये टीम इंडस एंड स्पेस एक्स, ये दोनों प्राइवेट कंपनी है। पहली बात, टीम इंडस तो इंडियन है, स्पेस एक्स पता ही होगी, वो अपनी जो एलन मस्क है एक भाई साहब हैं वो यूएसए के अंदर उनकी है, तो ये सब वो बाहर मतलब कि अपने जो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेस इंडस्ट्रीज़ को ना। और टीम इंडस ने क्या किया, गूगल का एक प्राइज़ था जो जीता है वो, ठीक है वो कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है इतना याद रख लेना आप। और देन वी हैव स्क्रैमजेट, अब स्क्रैमजेट को पता ही है, मैंने बताया था आपको ब्रह्मोस के अंदर तो रैमजेट होता है, ठीक है तो उसमें तो रैमजेट था। अब इंडिया ने क्या किया रिसेंटली, अपने एक वो एक टेस्टिंग की थी, ठीक है स्क्रैमजेट। तो स्क्रैमजेट क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म याद रखो, सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट। तो जो पहला जो SC जो है ना, ये सुपरसोनिक कंबस्टिंग वाला है, और रैमजेट बाकी रैमजेट हो गया, ये एक वेरियंट है रैमजेट का, ठीक है। और वो उसमें क्या होता है कि जो जो कंबशन जो होता है, मतलब कि जो उसमें फ्यूल जो होता है उसमें, जो वो जलता कैसे, सुपरसोनिक एयर फ्लो में जलता है, कि जब स्पीड जब सुपरसोनिक पकड़ता है ना तभी वो जलना स्टार्ट होता है, ठीक है। एक सेकंड में आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये ऐसे जैसे ये प्लेन ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये है ना प्लेन, इसके नीचे ये लगा होगा एक छोटा सा, यहाँ से ये जो एयर है उसके अंदर घुस रही है, ठीक है, और ये बाहर निकल रही है यहाँ पे, और जो बाहर निकल रही होती है वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल रही है, ठीक है, और ये यहाँ से अंदर ये ऐसे घुस रही है। तो ये जब अंदर घुसती है, ये इनलेट है, मतलब अंदर से यहाँ से घुसी है ऐसे अंदर की तरफ ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे घुसने के बाद में क्या होता है, ये कंप्रेशन करता है इसको, सुपरसोनिक वाला कंप्रेस करता है, और यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से फ्यूल बैठा हुआ होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो ये यहाँ पे उसको इंजेक्ट कर रहा होता है, तो ये ऑक्सीजन आई, ये इधर से भी आया, इनको फिर क्या बोला उसने, कंप्रेशन के कारण के बहुत ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी बढ़ जाती है, ऑलरेडी फ्यूल इंजेक्शन हो रखा होता है, तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये फ्यूल जलता है तो पीछे से क्या बोलता है, पीछे की तरफ फेंकता है आग को, और जब आग पीछे की तरफ फेंकेगा तो जो जो प्लेन जो होता है वो आगे की तरफ भागेगा, ऑब्वियसली वो जो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन वाला फंडा है कि आप पीछे की तरफ आग फेंक रहे हो तो आगे की तरफ भागेगा फिर वो, तो ये छोटा सा फिल्म याद रखना, एक तरफ से इंटर करेगी, सुपरसोनिक कंप्रेशन होगा और वहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन होगा, तो कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर, एंड देन पीछे की तरफ वो आग फेंकना स्टार्ट कर देंगे एग्जॉस्ट में, और जब एग्जॉस्ट फेंकेंगे तो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा वो बहुत स्पीड से। तो ये स्क्रैमजेट था। अब जो स्क्रैमजेट भाई साहब था, ये इसका फुल फॉर्म बता दिया हमने, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट बता दिया। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ सुपरसोनिक एयर, कि जो ऑलरेडी आकाश के अंदर जो ऑक्सीजन है या एयर है वो अंदर घुसेगी इनलैंड के अंदर, और बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी सुपरसोनिक स्पीड के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा, हाइड्रोजन फ्यूल जो ऑलरेडी बैठा हुआ है वो जलना स्टार्ट होगा, और ऑलरेडी इसमें फिर बाहर से क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, तो दोनों मिलके और बहुत स्पीड से उसका एक्सपांशन होगा, रैपिड एक्सपांशन, और वो एग्जॉस्ट नोजल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इनटेक हुआ और ये पीछे की तरफ एग्जॉस्ट से बाहर निकल गया। ये तो नॉर्मल उसका कन्वेंस जेट इंजन का है। इसमें क्या होगा, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट, जैसे ये रोटेटिंग पार्ट है, ये क्या करता है, खींचता है इसको फैन की टाइप एयर को ना, तो ये जेट इंजन में करता है, लेकिन इसमें जो होगा सुपरसोनिक के अंदर कोई ऐसा रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, कोई पंखा टाइप का नहीं लगा होता है जो नॉर्मल जेट इंजन में लगा होता है ना। लेकिन तो ये क्या करता है कि ये सिंपल रखेगा, और अपने आप उसमें स्पीड में जब किया जाएगा तो ये अपने आप खींचते चला जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये जो सुपर एयर फंड अंदर जाता है तो इतना ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है जितना ये, कि उससे क्या होता है कि एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा तो और तेज़ी से चलता है और स्पीड बढ़ती है, ठीक है इतना याद रखना आप इसमें, और कुछ खास है नहीं। हाँ रैमजेट में याद रखना कि ये जो कि इसमें एक था, हाँ स्क्रैमजेट में याद रखना कि जो हाई व्हीकल स्पीड चाहिए होती है, कि ऑलरेडी वो स्पीड पहले जो इंजन लगा होगा बहुत स्पीड पहुंचा देगा, एंड देन फिर वहाँ पे जाके फिर क्या होगा, आप कर रहे हैं ये स्क्रैमजेट काम करना स्टार्ट करता है, उसमें एयर घुसना स्टार्ट होगी, कंप्रेस होगी, फ्यूल इग्निशन होगा, बाहर एग्जॉस्ट करेगी और स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फोर्सफुली कंप्रेस करता है, वो दबा के कंप्रेस करता है, तो उससे उसका वो प्रेशर बढ़ता है और आग लगती है। लेकिन रैमजेट क्या करता है ना, उस एयर को धीरे कर देता है, याद रखना ये सब सोनिक वेलोसिटी, सब सोनिक का मतलब जो ये जो अपनी साउंड की जो स्पीड होती है ना उससे कमज़ोर, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि रैमजेट की स्पीड कम होती है, बट स्क्रैमजेट में क्या होता है, वो सुपरसोनिक की रहती है, जब एयर घुस रही होती है तो उसका वाला और फास्ट होता है। तो थोड़ा सा सिंपल सा वही है, USA रशिया EU के पास में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, अब इंडिया ने टेस्टिंग कर लिया तो इंडिया भी इनके अंदर शामिल हो गया है। अब इसके बाद में क्रायोजेनिक आ गया, क्रायोजेनिक हमने पढ़ा था कि थर्ड स्टेज है उसकी GSLV की, फर्स्ट स्टेज व्हाट, ये अपने उसमें क्या थी, सॉलिड थी, लिक्विड थी, एंड देन ये क्रायोजेनिक आ गई। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल होता है और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीडाइजर का काम करता है। फिर एक नासा ने एक मिशन स्टार्ट किया है, उसका फुल फॉर्म है ये सिग्निस, उसका साइक्लोन ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। ये क्या करेगा, 8 माइक्रोस्टेल लॉन्च करेगा आकाश में, और ये विंड स्पीड जो होती है हवा की स्पीड नापेगा, कहाँ पे, अपने जो समुद्र हैं अर्थ के, ओशियंस जितने भी हैं, और वहाँ से फिर जो अपने ये जो हरिकेन्स आते रहते हैं ये जो, ठीक है, इनको अपने अंडरस्टैंड करने के लिए और प्रेडिक्ट करने के लिए कब आएंगे क्या करेंगे वगैरह वगैरह। फिर एक नासा का एक प्रोग्राम है न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, ऐसे एरिया जो बहुत दूर दूर होते हैं कि
किया होता है ना, ये तेरा फ्रंटियर कहाँ पे है, तो बोला यहाँ वो वाला एरिया, दूर वाला। तो वो जो दूर वाले जो एरियाज हैं उनको उन्होंने के एक्सप्लोर करने के लिए कुछ सिस्टम लॉन्च किए हैं। तो एक इंडिया ने भी इसने पहले लॉन्च किया था, न्यू क्या नाम था उसका, न्यू होराइजन। तो न्यू होराइजन कहाँ गया था अपना, प्लूटो गया था, अभी प्लूटो से बाहर जा चुका है, तो एक तो ये हो गया था। तो एक न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम ये इसी के अंदर ही आता था, प्लूटो वाला। तो ऐसे जो सोलर सिस्टम की जो बॉडी जो हमारे उसमें नहीं है, रीच में नहीं है, उनसे बाहर जाके हम चेक करने के लिए उन्होंने न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम लॉन्च किया है। गोल्डीलॉक्स जोन ऑलरेडी 2000 आई थिंक 14 में आ रखा है। गोल्डन का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे ये हैबिटेबल जोन हो, मतलब कि सूर्य जैसे सन हो गया, ठीक है, इसके आप एक घूम रहा है, दूसरा घूम रहा है, तीसरा घूम रहा होता है। तो एक ऐसा जो हमारी अर्थ वाली जो लोकेशन है, आप उसको नाप के एक ऐसा मतलब जोन बनाओगे कि जहाँ पे मतलब कि ओके ठीक है, अर्थ यहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर सकती है तो और जो सोलर सिस्टम है किसी और गैलेक्सी के अंदर, किसी और मतलब दूरी किसी सोलर सिस्टम के अंदर, कि जो प्लैनेट अर्थ की तरह मतलब हैबिटेबल जोन के अंदर है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जीवन एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको चेक करने के लिए प्लस एक और कंडीशन बोलते हैं कि वो वाटर भी मतलब कि एग्जिस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो वो इतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए सन की, वो उसकी जो जो भी सोलर सिस्टम का दूसरा सोलर सिस्टम होगा उसका जो सूर्य होगा, सन जो होगा उसके जो उसका जो मास होगा, जो वजन जो होता है उसके हिसाब से ये चेक करते हैं, फिर डिस्टेंस को नापते हैं कि अच्छा इसमें जो प्लैनेट बैठा हुआ है ये अर्थ के जैसा काम कर सकता है। तो ये गोल्डीलॉक्स जोन हो गया। फिर हमारे पास ये ग्रेविटी आती है, ग्रेविटेशन वेव आती रहती है, बार बार न्यूज़ में देखा होगा। ग्रेविटेशन वेव का फंडा ये होता है कि स्पेस टाइम फैब्रिक होता है। अब आप स्पेस टाइम फैब्रिक कैसे उसमें बोलोगे, देखिए आप इमेजिन करिए आप स्विमिंग पूल के अंदर हैं आप, ठीक है, आप समुद्र स्विमिंग पूल के अंदर हैं और आप समुद्र उसमें मतलब ज़मीन पर जाकर उसमें जो जो सरफेस हो जो उसका वो होता है नीचे वाला तल होता है वहाँ पे आकर जाकर बैठ गए हैं, आपको चारों तरफ पानी पानी है, अपने अपनी सांस रोक रखी है, राइट, ठीक है, चारों तरफ पानी पानी है ना। तो आप उसमें कम्प्लीटली आप उसमें पानी में डूबे हुए हैं, अपने आप को उसने आपने कवर करके रखा हुआ है। अब ऐसा ही आप इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पर मतलब कि अंतरिक्ष के अंदर यूनिवर्स में कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम बाहर मान लो या कहीं मान लो, और आपके पास में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। सपोज यही अंधकार को हम एक पानी की तरह मान लें, जो पूरा जो आपका जो जो आप जहाँ बोलते हो ना कि चारों तरफ हवा भी नहीं है कुछ भी नहीं है, बट रियल में अगर वहाँ पे जो कुछ ऐसा हो जो हमें दिख नहीं रहा हो, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है, जैसे हम बार बार नापते रहते हैं ना कि इसमें जो ये एक्सरेज आ रही हैं, गामा रेज आ रही हैं, फिर वहाँ पे बोलते हैं कि ये डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो दिखती नहीं है हमको। तो ये जो चीज़ें होती हैं उन्होंने हमें चारों तरफ से एनवलप कर रखा है, मतलब ढक के रखा हुआ है। तो एक तरीके से अगर हम ये बोलें कि जब जहाँ अगर अगर स्विमिंग पूल में हम पानी से ढके हुए हैं चारों तरफ से अगर डूबने के बाद में, तो वहाँ पर भी हम ढके हुए हैं किसी चीज़ से, तो मान लो कि अगर वो पार्ट ढका हुआ है और उसमें कोई रे निकल के जा रही है, ग्रेविटेशनल वेव्स अगर जा रही हैं, जैसे पानी के अंदर हम उसको अगर पानी को अगर हवा फेंकेंगे ऐसे तो पानी हिलेगा पूरी तरह, ठीक है, वैसे ही वो जो अगर कुछ कहीं पे कोई बहुत बड़ा कुछ मतलब कि कुछ एक्सप्लोजन होता है या कुछ और कुछ होता है, तो उसमें क्या होगा, उस स्पेस टाइम के अंदर जो हमने पानी में वहाँ तो पानी था, तो यहाँ पर डार्क एनर्जी डार्क मैटर है, तो ये भी हिलना स्टार्ट कर देगा। तो वो जो हिलने वाली जो प्रक्रिया होगी, वो जो हमें अगर दिखना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम उसको ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो स्विंग तो पानी था, वहाँ पर क्या होगा, स्पेस टाइम बोलते हैं उस एरिया को। और जो ग्रेविटेशन वेव तब भी निकलती है जब बहुत बड़ा कोई इवेंट होता है, मतलब यूनिवर्स के अंदर बड़ा इवेंट मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कि कोई गैलेक्सी में ब्लास्ट हो गया, या ब्लैक होल बन गया, या सन का मतलब कुछ और टूट गया, या दो जो ये गैलेक्सीज हैं अपनी जो आकाशगंगा जिसको बोलते हैं टकरा गई आपस के अंदर, ठीक है। तो ये इसके कारण बनता है, इसको याद रखना, ग्रेविटेशन वेव स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर वो ऑसिलेशन मतलब उसके अंदर ये हिल रहा है ये, और मैसिव एक्सेलरेशन हो गया किसी बिग ऑब्जेक्ट का, मतलब वो टूट गया, कोई फूट गया, कोई एक्सप्लोजन हो गया, तो इसलिए होती है। नेवी का आपको बताने की जरूरत है नहीं, इंडिया का है, एक दो तीन जियो में स्टेशनरी सेटेलाइट रहेंगी, ये दो और दो ऊपर की तरफ ये अपने जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट रहेंगी, ठीक है, और ये पूरे इंडिया को कवर करेंगी, प्लस इंडिया के जो बॉर्डर से बाहर 1500 किलोमीटर को भी कवर करेंगी। दो टाइप की इसमें स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस है, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं, ये पता ही आपको ऑलरेडी याद ही होगा। देन इसने अपनी ये अपना विक्रम साराभाई एक स्पेस सेंटर था, इसने कैस्पुल बनाया है, ये वाटर बेस्ड सिस्टम है, ये रेडी टू कोट होता है। इसमें क्या होता है कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि जब अपने जो सुपर सैटेलाइट भेजते हैं, अपने जो शिप भेज रहे होते हैं, जो PSLV वगैरह, तो पार्ट्स को हमने कोट करते ताकि वो आग में जले ना ऊपर, ठीक है। तो ये वाटर बेस्ड था, रेडी टू कोट वाला फंडा है, सिरेमिक पॉलीमर हाइब्रिड है ये, ठीक है। और ये जो कितना भी टेम्परेचर हो, आग वाग हो, उनको सबसे अपने आप को बचा लेता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी गरीब की झोंपड़ी है उसके ऊपर वो कर दिया, ढक दिया है, तो उसके कारण क्या होगा, उसको आग नहीं लगेगी। या सिंपल मान लो कि अपने गाड़ी के अंदर हमने कहीं पेंट करके रखा हुआ है जहाँ पे बहुत आग लगने के चांसेस होते हैं, किसी मशीन में लगा के रखा हुआ, तो ये कैस्पोल हो गया इसको यूज़ करने के लिए। एक फिर एक सोफिया प्लेन था, इसने USA ने और उसने लॉन्च किया हुआ है। ये एक प्लेन है, आकाश में उड़ता रहता है, और आई थिंक ये USA या जर्मनी का वो है, ये एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है,
ठीक है, इसमें एक स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जेक्टिव बनाई है, काफ़ी आकाश में काफ़ी ऊपर जाके उड़ती है, और जो इंफ्रारेड जो जो ऊपर से रेज आ रही होती है ना, उनको चेक करने के लिए। तो सोफिया जहाज है, एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है, और ये स्ट्रेटोस्फेरिक जो ऊपर अपना ऊपर आकाश में ऊपर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेरिक है, जहाँ पे अपनी ओजोन है, वहाँ पर जाकर यह क्या करेगी, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी को चेक करने की कोशिश करेगी। फिर एक क्वेस्ट सैटेलाइट आई थी। क्वेस्ट सैटेलाइट क्या है, ये क्वांटम एक फिजिक्स है उसके ऊपर बेस्ड एक सैटेलाइट है, और ये चाइना ने लॉन्च की है, ठीक है, इतना याद रख लेना। फिर आपको याद होगा एक हबल टेलीस्कोप थी, ठीक है, जो यूएसए ने लॉन्च की थी, और आकाश के अंदर वन ऑफ द बहुत ही अच्छी टेलीस्कोप है, जिसने काफ़ी गैलेक्सी वैलेक्सी हो गया अपना, जो ब्लैक होल्स को चेक करने के लिए काफ़ी उन्होंने वो डिस्कवरी की थी। अब हबल क्या है कि पुरानी हो चुकी है, बुढ़ी हो गई है मैडम, तो इनके लिए इन्होंने नया बनाया, जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया है, इसको क्या थोड़े दिनों में लॉन्च करने की गुंजाइश है। अब इन्होंने क्या किया कि एक शेडलॉक टेक्नोलॉजी बनाई है, किसने, अगेन नासा ने, नासा जो यूएसए वाला है, ये क्या करेगा कि उसमें मार्स मंगल पे 2020 के अंदर एक मिशन भेज रहे हैं, उसके अंदर हैबिटेबल जो इन्वायरमेंट होते हैं कि बंदा रह पाएगा नहीं पाएगा, तो उसको चेक करने के लिए सेटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। उसमें रमन अपनी जो पता ही होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, इल्यूमिनेशन वगैरह को यूज़ किया जाएगा, इतना काफ़ी है। साइके याद रखना, एक साइके हमारे पास में क्या है, एक एस्टेरॉयड है, ठीक है, ये कंप्लीट ही बोलते हैं कि पूरा मेटल से बना हुआ है, निकल एंड इसमें आयरन प्लस निकल, ठीक है, और ये बोलते हैं बहुत ही मतलब, अगर ये उसको क्या बोल रहे हैं, इसकी तरफ उन्होंने 16 साइके नाम का एक वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपना एक सैटेलाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जाके देखे उसको और अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर एक 100 ईयर्स प्रोग्राम है, ये अपने यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात जो यूएई है इधर पास में ही, इसने लॉन्च किया है, और मार्स के अंदर 2117 के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके अपना एक वो कॉलोनी बना लेंगे मार्स के ऊपर, मंगल पर जाके, ठीक है, और उसके लिए वो अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक कार्डर तैयार कर रहे हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर आपको याद होगा एक चंद्रा एक्सरे है, जो एक्सरेज को मतलब स्टडी करती है, ये भी स्पेस में जाके बेस्ड है। कॉपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है, कॉपरनिकस का याद रखना, कॉपरनिकस यहाँ पे कहाँ पे था, इसमें यूरोप में था, तो यूरोप वाले की जो एजेंसी है ना, उन्हीं का ये कॉपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। इसने कुछ सेंटिनल फैमिली नाम के एक सैटेलाइट से आकाश में भेजेंगे, और अर्थ को कंप्लीट ऑब्जर्व करने के लिए बनाया है उन्होंने, नॉट इंपॉर्टेंट याद रखना। एक आल्मा टेलीस्कोपिक एरे है, वो चिली के अंदर है। अच्छा, चिली से याद आया कि यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है ना, तो इसी अटाकामा डेजर्ट के अंदर उन्होंने ये एलमा टेलीस्कोप लगाई है। नेक्स्ट वी हैव ए लीजा पाथ फाइंडर। अब जीवीए पढ़ ली थी हमने, ग्रेविटेशनल वेव, जो स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर जो ऑसिलेशन हो रहे होते हैं उसको चेक करने के लिए। अब लीगो आपको याद होगा लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, इस साल तो कवर नहीं किया मैंने यहाँ पे। तो लीगो जो प्रोजेक्ट था वो आपको पता ही है, जो धरती के अर्थ के ऊपर रह के हम उसको मतलब ग्रेविटेशन वेव को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो डिटेक्ट हो भी गई हैं। लेकिन एक बेस्ट तरीका उन्होंने यूएस ने अपने नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ढूंढा है कि ये लीजा पाथ फाइंडर जो अपना ये जाएगा, और ये लीजा जो प्रोग्राम होगा ये स्पेस बेस्ड है, ठीक है, और ये क्या करेगा, अर्थ पे ऊपर जाएगा, ऐसे अर्थ ऐसे रही है, तो यहाँ पे एक उसने क्या करेगा, एक वो रखेगा इधर अपनी सेटेलाइट, एक यहाँ पे सेटेलाइट रहेगी और एक ऐसे सेटेलाइट रहेगी, ये तीनों आपस में ऐसे कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। और इनके अंदर क्या होंगे ना, इनके तीनों के अंदर उन्होंने क्या है कि ऐसा एक ग्रेव कुछ बनाया है, कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि जो रहेगा ऐसे, और वो फ्री ग्रेविटी फॉल में रहेगा, मतलब वो लगातार अधर में लटका रहेगा बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है, कंटिन्यूसली ये तीनों यहीं पे हिली नहीं होंगी, यहीं रहेंगी वो, ठीक है, ये अपने आप मूव करती रहेंगी। तो जब भी ये कहा जाता है कि अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव पास करेगी इनके बीच में से, अर्थ के पास से, इनके इन तीनों के बीच में से, ठीक है, तो क्या होगा कि जो 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 उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो लटका हुआ है उस इन सैटेलाइट के बीच के अंदर वहाँ पे, वो जो होगा वो हिलेगा, और जब वो हिलेगा तो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट होंगे सैटेलाइट के अंदर वो डिटेक्ट करेंगे कि यार ये इतना 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर इतना हिल चुका है, इसका मतलब ये है कि वो ग्रेविटेशन वेव वहाँ से पास कर रखी है। यही प्रोग्राम को उन्होंने लीजा बोलते हैं। तीन क्राफ्ट जाएंगे आकाश में, ग्रेविटेशन डिटेक्ट करेंगे, और लेजर इंटरफेरेंट्री ये इंटरफेर जो बताया मैंने उसको यूज़ किया जाएगा। लीजा पाथ फाइंडर उन्होंने आकाश में भेजा था पहले इस प्रोजेक्ट को पहले चेक करने के लिए कि सही में होगा या नहीं होगा। अब वो ऑलरेडी वो प्रूव हो चुका है कि हाँ सही हो जाएगा, तो उन्होंने अब रियल में लीजा आकाश में भेजा जाएगा। न्यू फ्रंटियर बताया था, तो उसी का पार्ट था न्यू होराइजन। ये प्लूटो के बाहर जा चुका है, लास्ट ईयर न्यूज़ में था, अभी कुछ यूज़ है नहीं इसका। अब याद रखना कुइपर बेल्ट होती है एक, जैसे हम अगर सोलर सिस्टम बनाए कि ये तो सन है, इसके बाहर क्या मरकरी, वीनस, फिर अपनी अर्थ, फिर मार्स, और फिर क्या है कि एक एस्टेरॉयड बेल्ट घूमती है इधर, उसके बाद में जुपिटर आता है, ठीक है। तो एक तो एस्टेरॉयड बेल्ट यहाँ पे है, उसके बाद में फिर जुपिटर आ गया, फिर अपना ये क्या आ जाएगा इधर सैटर्न आ जाएगा, फिर अपना नेपच्यून यूरेनस आ गए, उन सब उनके बाहर ना ये जो अपनी ये बियॉन्ड नेपच्यून ना, लास्ट में नेपच्यून है, उस नेपच्यून के बाहर भी एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसका नाम है क्यूपर बेल्ट। ये सारे के सारे इसमें कहते हैं आईसी वो हैं, बॉडीज़ हैं, मतलब बहुत ही ठंडी बॉडीज़ हैं, बर्फ़ की जमी हुई, ठीक है। तो ये जो भाई साहब अपने जो न्यू एराइजन थे वो प्लूटो के जब पास में निकले, तो ये क्यूपर बेल्ट के अंदर की तरफ जा चुके हैं, वहाँ पर चेक करने की क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। फिर एक जूनो उन्होंने एयरकार्ट भेजा था नासा ने, ये जुपिटर पर गया है,
ठीक है, जूनो अगर याद रखें, अगर आपने कहीं पे अगर वो वेस्टर्न अगर पढ़ा होगा, टेक्स्ट पढ़े हैं, तो जूनो क्या है, जुपिटर की वाइफ है। तो ऑब्वियसली जो नाम था वो एकदम सही है कि जूनो को चेक करने के लिए भेज दिया जुपिटर की वो कर क्या रहा है ना। एंड देन एक पुराना और प्रोग्राम था गैलीलियो, ये भी जुपिटर को चेक करने के लिए काफ़ी टाइम पहले, नॉट मतलब है नहीं, तो याद रखना जूनो गैलीलियो किसके लिए है, जुपिटर के लिए। देन वी हैव ए डॉन, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट भेजा है, डॉन मतलब सूर्योदय का जो टाइम होता है। एक सीरीज नाम का प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट है ये, इनर सर्किल सोलर सिस्टम का, उसी के अंदर एक में एग्जिस्ट करता है और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ये। और एस्टेरॉयड जो बेल्ट बताई थी मैंने, जो जुपिटर और मार्स के बीच में है, ये उसी के अंदर बहुत सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है ये सीरीज, ये ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं इसको, और डॉन को भेजा चेक करने के लिए। सैटर्न के लिए फिर उन्होंने कैसिनाई और जो ह्यूजन भेज दिया आपको बताया था मैंने। फिर एक डार्क स्काई रिजर्व होता है, डार्क स्काई रिजर्व जो होता है ना वो चाइना के अंदर, चाइना ने पहली बार अपना स्टार्ट किया, और ये इंडिया के जो एक ये है अभी तिब्बत के अंदर नेपाल के पास में उन्होंने उसको वो किया है। ये क्या करेगा, एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करेगा। अब डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप शहर में रह रहे हो, ठीक है, एक और या फिर उसके बाद में आप शहर में रह के कुछ दिनों में गाँव में चले जाते हो। जब आप गाँव में जाते हो, आप रात में सो रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं अंधेरे के अंदर देखने के लिए ऐसे, तो पूरा आकाश एकदम आपको अच्छा दिखाई देता है, सारे तारे आपको दिखाई दे रहे होते हैं, कोई फालतू की लाइट नहीं है जो आपको बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती है, डिस्टर्ब कर रही होती है, सारा तरह अंधेरा सा होता है। अब शांति से अपना जो एस्ट्रोनॉमी आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो फिर भी इंटरफेस रहता ही है। लेकिन आप अगर शहर में आएँ तो रात में आप बाहर निकलें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ लाइट लाइट होगी, आप आकाश में देखें तो एक दो तारे दिखेंगे, तो वो लाइट पॉल्यूशन हो जाता है। इसको बोलते हैं लाइट पॉल्यूशन, मतलब प्रकाश के कारण आपका पॉल्यूशन हो रहा होता है। तो व्हाट हैपन्स इज कि अगर मान लो कि अगर आपको वहीं कहीं ऐसे एरिया में भेज दिया जाए कि जहाँ पे कोई गांव भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है, कोई लाइट नहीं है आसपास, तो उसको बोलते हैं डार्क स्काई रिजर्व, कि ऐसा रिजर्व जहाँ पे पूरा आकाश अंधेरे के अंदर बहुत अच्छे से दिख पाए, कोई आसपास में फालतू की आर्टिफिशियल लाइट ना हो, और वहाँ पे स्टडी कर पाए हम एस्ट्रोनॉमी की, इसको बोलते हैं डार्क स्काई रिजर्व। तो चाइना ने स्टार्ट किया है अपने इधर उत्तराखंड के आसपास कहीं कुछ कोई एरिया है वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है। फिर एक और प्रोग्राम आया था ये ब्रेक थ्रू स्टार शॉट वाला, 2016 में आया था, $100 मिलियन का प्रोग्राम है ये। एक ये लाइट सेल एक स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं भाई लोग, ये बोलते हैं कि तो अपनी आकाशगंगा तो ये है, ठीक है, जिसको मिल्की वे बोलते हैं। इसके पास में एक है ना एक अल्फा सेंचुरी नाम की एक और गैलेक्सी है, ये बोल रहे हैं हम इसके बनाएंगे और ये भेज देंगे वहाँ पे, ठीक है, लेट्स सी जाएंगे नहीं जाएंगे। अब आता है ओसायरिस रेक्स, ओसायरिस रेक्स क्या है ना कि एक बेनू एस्टेरॉयड है अपने पास अर्थ के उसमें, ठीक है, वो जो ओसायरिस रेक्स है ना ये भाई साहब जाएंगे और इस बेनू एस्टेरॉयड के अंदर जाके वहाँ से सॉइल वगैरह का सैंपल लेके आएंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। देन हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार होता है, ये मैंने बताया था आपको कि जब सन जो होता है, जब जैसे सन या मानो या स्टार मानो, जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, सारा का सारा फ्यूल रिजर्व खत्म हो जाता है, तो वो कोलैप्स उसमें क्या होगा, जब फट जाता है बम एक्सप्लोजन टाइप का होता है उसमें, और उसके बाद में ये क्या करता है अपने ऊपर कोलैप्स कर जाता है, मतलब अपने ऊपर ही गिर जाएगा, बिकॉज बीच में उसे बचता नहीं है, सब खाली हो जाता है वो, और जब ये गिरता है तब न्यूट्रॉन स्टार बनता है ये, ठीक है। और बीच में कहते हैं कि जब न्यूट्रॉन स्टार बनता है तो बीच में एक स्टेज आती है कि जब उसके अंदर लिक्विड भर जाता है और चारों तरफ पतला सा एक चारों तरफ सॉलिड एरिया रहता है, तो एक बॉल से बन जाती है जिसमें पानी टाइप भरा हुआ, मान लो कि ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर है, बीच में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, इसमें क्यों न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं। इसी का एक और वर्जन होता है मैग्नेटार, इसमें क्या होता है, ये ऐसा न्यूट्रॉन स्टार का टाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, तो मैग्नेट आर मतलब हो गया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये डिके होता रहता है और ये पर्टिकुलर गामा और एक्सरे वगैरह को निकालता रहता है, ठीक है। एक पल्सार होता है, ये भी हाईली मैग्नेटाइज एंड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है, इसको वाइट ड्वार्फ बोलते हैं, ये भयंकर वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन निकालता है। और पल्सार का मतलब होता है पल्स टाइप होता है, ये कि पल्स कैसे चलती है, आपने अपनी नाड़ी कभी अपनी जो अपनी हाथ वाली है या अपने हार्ट की बीट अपने पस के जो अपनी अगर फील की होगी, तो ऐसे मतलब नहीं होता एक एक गई फिर दूसरी गई फिर बीच में पॉज आता है फिर निकालता है, तो पल्सेट करता है, मतलब कि एक ये दिल की तरह धड़कता है, एक फिर रुका फिर दो फिर तीन, तो इससे पल्स निकलेंगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पल्सार। एक और वर्ड बार बार आता है ब्लेजार, ये ब्लेजार भाई साहब क्या है, ये एक ऐसी गैलेक्सी होती है जाइंट इलेप्टिकल गैलेक्सी जिसके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है भयंकर वाला, और ये जो ब्लेजार होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये बहुत वाला बड़ा वाला एक रेडियो उसके अंदर वो उसमें वेव्स निकालता रहता है, इसको ब्लेजार बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल गैलेक्सी में कहते तो हैं कि ब्लैक होल होता है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होता, ये देखो उसमें सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, तो उसको ब्लेजार बनाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फिनोमेना होता है ये, ठीक है। एक और बार बार टर्म्स आ रही है आजकल, ठीक है, ये बोलते हैं पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो क्या है कि जैसे जैसे ये हमारा मतलब कि लैंड हो गया, ठीक है, इधर भी लैंड है, ये बीच में समुद्र है, तो
पॉइंट नीमो होता है कि एक ऐसा एरिया समुद्र का जहाँ पे मतलब इंसान का जाना, और जो मतलब कहते हैं ना कि जहाँ पे लाइफ का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो उसको ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी बोलते हैं कि जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता। तो साउथ पैसिफिक वगैरह के अंदर काफ़ी मतलब एक मिला है जो पॉइंट न्यू बोलते हैं, जो इनएक्सेसिबल एक तरीके से हमारे लिए। देन वी हैव एस्ट्रोस्टैट, ये इंडियन लास्ट ईयर भेजी थी शायद। ये मल्टी वेव जो होती है ना, वैसे मान लो एक्सरे भी हो गया, अल्ट्रावायलेट भी हो गया, इंफ्रारेड भी हो गई, गामा रेज भी हो गई, सबको स्टडी करने के लिए हमने एक ऑब्जर्वेटरी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी आकाश के अंदर भेजी है, इसका नाम है एस्ट्रोस्टेट। एक और बार बार न्यूज़ में आ रहा था इस साल, ग्रेप्स थ्री, ग्रेप्स की फुल फॉर्म देखो, गामा रे एस्ट्रोनॉमी पी वी एनर्जीज फेज थ्री। तो याद रह गया, ग्रेप्स की आपको फुल फॉर्म पता है, गामा रे एस्ट्रोनॉमी है। किस किस के साथ में आएगी ये? इंडो जापान ने बनाई है, एक टाटा वाला कोई इंस्टीट्यूट है और एक जापान वाला कोई इंस्टीट्यूट है, ऊटी के अंदर है ये। ये भाई साहब चेक क्या करेंगे, सोलर स्टॉर्म्स को चेक करेंगे, सूर्य के ऊपर जो स्टॉर्म चलते रहते हैं ना, वो तूफान टाइप के, और तो और प्लस कॉस्मिक रे जो हमारी धरती पर गिरती रहती है ना, उनके अंदर से म्यूंस को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कितना याद रहेगा आप देख लेना, ग्रेप्स, गामा रे एस्ट्रोनॉमी, ऊटी, इंडो जापान, म्यूंस फ्रॉम कॉस्मिक रे शावर एंड स्टडीज सोलर स्टॉर्म। ये आ गया न्यूट्रॉन स्टॉर्म, बताया था मैंने। न्यूट्रॉन स्टॉर्म में देखोगे बाहर सॉलिड क्रस्ट है एक, एंड अंदर क्या फ्लूड कोर है, ऐसे पानी पानी पड़ा हुआ, उसमें न्यूट्रॉन वगैरह भरे रहते हैं। ये ज़्यादा सा डायमीटर होता नहीं है, लेकिन मास बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैग्नेटार आ गया, ये कंप्लीट वो न्यू बॉर्न स्टार्ट होता है, इसमें इंटरनल क्या बोलते हैं कि इसमें कन्वेक्शन होता है, तो करंट वरंट चलता रहता है। और ये यूजुअली जो क्या होता है ना, ये जो न्यूट्रॉन होता है ये फास्ट थोड़ा तेज़ रिवॉल्व करता है अपने चारों तरफ, ये थोड़ा सा स्पीड कम होती है इसकी अपने आप के चारों तरफ रोटेट करने वाली। फिर एक हाँ, ये आई थी आइंस्टाइन रिंग, आपने न्यूज़ में बार बार देखी होगी। आइंस्टाइन रिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कि मान लो ये धरती पर है, ये धरती है, यहाँ पे हम बैठे हैं, हम इसको हम कहीं टेलीस्कोप लेके रखे हैं और हम आकाश के सब देख रहे हैं, तो हमें क्या होगी, एक सामने एक गैलेक्सी दिख रही होती है, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे गैलेक्सी दिख रही है, ठीक है, और उस गैलेक्सी चारों तरफ हमें एक ऐसा मतलब लाइट दिखती है चारों तरफ उसके, तो हम सोचते हैं यार गैलेक्सी तो ये ठीक अच्छी बात है, लेकिन गैलेक्सी चारों तरफ ये इतने सारे स्टार क्यों हैं एक लाइन में से गोल गोल, ठीक है, ऐसे लगेगा मुकुट जैसा बन रखा है या कोई एक माला टाइप गोल माला पहना रखी हो किसी ने, जैसे ये है मान लो ये अर्थ है, यहाँ से मतलब ये गैलेक्सी आ गई और हमें क्या दिखेगा, हम यहाँ से देखने में ऐसे दिखेगा कि एक तो ये हो गई बीच में कुछ और चारों तरफ एक माला घूम रखी है, तो हम इसका हम तो ये उन्होंने बाद में जब इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया साइंटिस्ट वगैरह ने, तो बाद में समझ में आया कि भैया ये जो स्टार दिख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एक हमारा ऑप्टिकल एक वो है, इल्यूजन है, हमें लगता है कि यार ये जो है लेकिन वो रियल में होता नहीं है, तो है क्या फिर वो, तो ये गैलेक्सी के पीछे एक गैलेक्सी और छुपी हुई है उधर, जैसे ये गैलेक्सी दिख रही है हम यहाँ बैठे हैं, ये गैलेक्सी है इसके अंदर, ठीक है, इसके पीछे एक गैलेक्सी और होती है, जो इस गैलेक्सी जो लाइट आ रही होती है ना, वो लाइट क्या करती है, ये वाली जो इधर बीच वाली जो गैलेक्सी है उस लाइट को बेंड कर देती है, मोड़ देती है अपने पावर से, और वो जो लाइट होती है वो मुड़ के यहाँ चारों तरफ उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देती है, और अर्थ से हम अगर देखेंगे दूर से ना, तो हमें देखेगा कि शायद कि हम लगेगा कि चारों तरफ ना एक ऐसे डॉट 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 सॉरी बहुत सारे एक रिंग बनी हुई है लाइट की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइंस्टाइन रिंग, ठीक है, जैसे ये ऐसे लगेगा हमें, है ना, जैसे बीच में गैलेक्सी होगी चारों तरफ एक रिंग बनी हुई होती है। देन एक आता है मिशन ल्यूसी आया था, ये जो एक ट्रोजन्स वो होते हैं अपने, ये एस्टेरॉयड होते हैं, ट्रोजन एस्टेरॉयड ये होते हैं कि जैसे ये जुपिटर है, जुपिटर चल रहा है उसके, तो जुपिटर के जो एक होता है कि जुपिटर चल रहा है, जब यहाँ चल रहा है तो उसकी आगे एक एस्टेरॉयड का ग्रुप है वो चल रहा होता है, और एक एस्टेरॉयड ग्रुप जो पीछे चल रहा होता है। ट्रोजन का मतलब यूजुअली होता है कि जो ये कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके पीछे पड़ी हुई है लेकिन आपके पास भी नहीं आ रही है और आपके दूर भी नहीं जा रही है, ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स होता है ना, उसको पता नहीं चलेगा आपको, तो ये जुपिटर यहाँ चल रहा होता है, इसके आगे भी है और ये पीछे भी है, और ये याद रखना ये 60 डिग्री के ऊपर है, तो सॉरी ऐसा एस्टेरॉयड जो फोर्थ या फिफ्थ लैग्रेंज, ये छोड़ दो पॉइंट वगैरह, ठीक है, सोलर सिस्टम में होता है उसमें ऑर्बिट कर रहा होता है, और ये 6 प्लैनेट हैं जिनमें चल रहा होता है, वीनस में भी है, अर्थ में भी है, मार्स में भी है, जुपिटर में, यूरेनस में, नेपच्यून में, तो पहले जो अपना मरकरी है उसमें नहीं है और अपना जो सैटर्न है उसमें नहीं है, ठीक है, तो याद रखना ये तो 8 हो गए। इसमें क्या होगा कि ये ऐसा ग्रुप जो सन को ऑर्बिट कर रहा होता है सेम डिस्टेंस पे जुपिटर पे एट दी लैग्रेंज, अगर लैग्रेंज का मतलब यह होता है कि हम उसको नापेंगे ना सन से, यहाँ पे आ गया ये डिग्री ऐसे बनाकर 60 डिग्री बनता है दोनों तरफ से, आगे भी घूमेगा लीडिंग ग्रुप, पीछे भी घूमेगा, तो लेकिन अर्थ का भी हम चेक करेंगे तो अर्थ में भी एक ऐसा एक वो ट्रोजन एक एस्टेरॉयड है, ठीक है, जो हमारे ही उसमें जो अर्थ का जो रोटेशन वाला जो 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 वो है ना कि यहाँ से अर्थ बार बार घूमती रहती है आकाश में, उसका जो पथ है, मार्ग है, जो पाथ है, वहाँ पे एक और भी एस्टेरॉयड बैठा हुआ है कि जो जो अर्थ के आगे का चल रहा है या पीछे पे चल रहा है, ठीक है, जैसे इसमें बताया भी नहीं, डायग्राम है भी नहीं शायद, कोई मेला भी नहीं था मुझे ढंग का, इतना याद रखना कि ट्रोजन एस्टेरॉयड जुपिटर के कंटेक्स्ट में आते हैं, 60 डिग्री उनकी लैग्रेंज पे वो पॉइंट है,
ठीक है, और ये यूजली एक या दो ग्रुप में होते हैं, और छह हमारे प्लैनेट ऐसे हैं जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। देन रेड स्पॉट, एक ये आता है ग्रेट रेड स्पॉट, बार बार आपको न्यूज़ में आ रहा था, और इस बार आई थिंक किसी जूनो ने जाके वहाँ पे अच्छी फोटो वोटो भी भेजी थी लास्ट ईयर ना, और एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की फोटो भी भेजी थी। तो जो ये क्या है, जुपिटर की फोटो है, इसमें कोई गोला दिख रहा होगा बीच में आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। पास से देखें तो यहाँ से देखेगा ये जो रेड स्पॉट है ना, ये कहते हैं कि बहुत बड़ा वहाँ पे स्टॉर्म चल रहा है, एक तूफान चल रहा है जो जुपिटर के अंदर, ये जो है धीरे धीरे मूव कर रहा है चारों तरफ ऐसे 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 ना, तो ये उसको बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। और एक और स्ट्रिंग ऑफ पल्स मिली है, उसमें दिख नहीं रही है ना, डायग्राम में नहीं मिला था अच्छे, इसमें ना ऐसे गोल गोल दिखेंगे ऐसे ऐसे चारों तरफ, पूरी गेम्स के जुपिटर के चारों तरफ एक ऐसी लाइन में मिली है। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो गया कि मोतियों की माला टाइप की, तो ये दोनों अगर वर्ड कहीं पे दिखे तो आपको याद रखना है कि जुपिटर के कंटेक्स्ट में आते हैं। देन हमारे पास में एक और है, क्यूब सेट आई थी। क्यूब सेट क्या होती है, एक छोटी सेटेलाइट, मिनीचर सेटेलाइट, जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं उसके अंदर, उनकी साइज क्या होती है 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट। तो एक डेफिनेशन पता होगी, मिनीचर सैटेलाइट होगी, उसके अंदर छोटी छोटी क्या होती हैं, ये क्यूबिक यूनिट होती है, जिसमें 10 × 10 आता है। ये इनका जो मास होता है, जो वजन होता है, अब याद रखना 1.33 किलोग्राम पर यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये क्या करते हैं ना, ये ऑफ द सेल्फ, मतलब अपना खुद कुछ नहीं बनाते हैं, बाहर से कंपोनेंट लेंगे और बना के रख लेंगे। और जो आजकल क्या कर रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल स्पेस वाले हो गए, या जो अपने जो मेन, जैसे एस्ट्रोसैट गया था ऊपर, सॉरी एस्ट्रोसैट नहीं है, अब कार्टोसैट गया था, उसमें 104 सैटेलाइट्स हमने साथ में भेजी हैं, ठीक है। तो मेन सैटेलाइट तो कार्टोसैट थी, लेकिन इसके पास साथ में सैटेलाइट के अंदर जो बाकी सैटेलाइट थे वो सारी क्यूब सेट थी। तो मेन सैटेलाइट के साथ में जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं उनको क्यूब सेट बोलते हैं यूजली, ठीक है, बिकॉज मेन तो भारी होती है, छोटी छोटी बाद में क्या होता है कि जगह खाली पड़ी रहती है, तो उसमें क्यूब सेट डाल देते हैं ताकि सस्ती भी चली जाए और फटाफट भी चली जाए, ठीक है। तो ये हो गया, डेफिनेशन पता हो गई हमको, 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट की मल्टीपल बनी होती हैं, छोटी सैटेलाइट होती हैं, 1.33 किलोग्राम पर यूनिट, ज़्यादा उनका वजन नहीं होना चाहिए। ऑफ द सेल्फ जो कंपोनेंट होते हैं उनसे हम बना लेते हैं, यूजली सेकेंडरी पेलोड की तरह जाती हैं। फिर अब एक और डेफिनेशन आती है, स्मॉल सैटेलाइट होती हैं। अब ये कौन सी होती हैं, ऐसी सैटेलाइट जिनका वजन 180 किलोग्राम से कम हो और ये किचन फ्रिज के बराबर का हो, तो ये वो उसको बोलते हैं। अब इसके और फिर नासा ने और डिवाइड करके रखा हुआ है इनको, मिनी, माइक्रो, नैनो, पिकासो, ये पिकोसा एंड फेमटो, छोड़ दो इनको, कोई यूज़ नहीं है याद रखने का। एक और बार बार न्यूज़ में चलता रहता है कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम क्या होता है कि आपको पता है कि अर्थ है, उसके आसपास चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट घूम रही हैं, हर कंट्री ने पता नहीं कुछ ना कुछ छोड़ के रखा हुआ है। ये सैटेलाइट जो होती है ना, ये इतनी सारी सैटेलाइट हो रखी है कि इनमें कुछ तो आज तक वो हैं, मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स हैं वो तो वो हो चुकी हैं, ख़राब वाली हैं, पुरानी हैं, जो यूज़ में नहीं है, जंक जिसको बोलते हैं। ये सैटेलाइट का ये बोला जाता है कि किसी दिन अगर ये टकराना स्टार्ट हो गई आपस के अंदर, तो क्या होगा, एक टकराएगी एक से, फिर दूसरी दूसरी से, फिर तीसरी तीसरी से, टूटेंगे तो और टुकड़े बनेंगे, फिर और जगह टकराएंगे वो, तो एक ऐसी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जो एक से टकराती चकरा जाएगी, उसमें काफ़ी जो अपनी जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो भी खत्म हो सकती हैं। ये पूरे वर्ल्ड के लिए बताया जाता है, तो ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखो, कॉलिजन कैस्केडिंग, ठीक है। ये कैसलर भाई साहब थे, साइंटिस्ट ने नाम दिया था ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पेशली लो अर्थ जो ऑर्बिट है ना, आपने जो बताया था मैंने 1000 से 5000 के बीच वाले में, सॉरी 100 से 1000 के बीच में, ये इतनी ज़्यादा है, मतलब इतनी सारी सैटेलाइट है वहाँ के ऊपर कि अगर ये कॉलिजन होना स्टार्ट हो, मतलब टकराना स्टार्ट हुआ आपस के अंदर, तो एक कैस्केड टाइप का बन जाएगा। कैस्केड मतलब ये होता है कि एक टकराई इससे, फिर दो टुकड़े हुए, ये इधर टकराएगी, ये टकरा चलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अपना जैसे न्यूक्लियर बम में कैस्केड नहीं होता है, वैसे यहाँ पे कैस्केड होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतनी सारी डिब्रीज कचरा बनेगा जो और ख़त्म कर देंगे बाकी जाके नॉर्मल सैटेलाइटों को, इसको कैस्केड सिंड्रोम बोलते हैं। फिर एक स्कैट सेट हमने इंडिया ने भेजा था, स्कैट्रोमीटर वाली, ये हमने जो है ना ये ट्रैकिंग वगैरह के लिए, साइक्लोन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ की है। फिर ये कुछ 5 डेफिनेशन याद कर लो आप, ये एस्टेरॉयड क्या होता है, छोटा सा स्मॉल इनएक्टिव, मतलब इसके ऊपर कोई लाइफ नहीं होती है, कोई इसके ऊपर मतलब कोई और टाइप का केमिकल या कुछ रिएक्शन नहीं चल रही होती है, रॉकी बॉडी पत्थर होते हैं उसके ऊपर, सन को घूम रही होती है। कॉमेट क्या होता है, ये भी छोटा होता है लेकिन ये कई बार एक्टिव हो जाता है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, आइस होती है, बर्फ़ होती है, वेपराइज हो जाएगी, पानी वाला हो जाएगा, फिर डस्ट और गैस होती है। तो जो कॉमेट को अगर आप देखोगे, जब ध्रुव, इसको नॉट ध्रुव तरह क्या बोलते हैं उसको, हिंदी के अंदर आई डोंट नो, भूल गया मैं। तो जो कॉमेट जो होता है आकाश में आपको देखेंगे, तो उसकी पूंछ सी होती है, पूंछ तारा जो होता है ना, तो पूंछ जब इसकी होती है, इसका मतलब कि उसमें गैसेज हैं और वो जो सन की उसमें जोन में आ रही हैं और वो जल रहा होता है, तो एक तरीके से एक्टिव हो गया, तो टेल ऑफ डस्ट हो जाती है उसके अंदर, तो कॉमेट उसको बोलते हैं। अभी 3 वर्ड आते हैं, मेटेरॉयड, मेटियोर एंड मेटेराइट। तो ये जो होता है कि जो मेटेरॉयड जो क्या होता है, वो आकाश में ही घूम रहा होता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, स्मॉल पार्टिकल होता है फ्रॉम ए कॉमेट या किसी एस्टेरॉयड टूटा हुआ पार्ट ना, एस्टेरॉयड बड़ा होता है। मेटियोर अगर कब होता है, मेटियोर जब वो तब बन जाता है जब वो धरती के अंदर घुस जाता है, मतलब सॉरी उसके वातावरण के अंदर घुस जाता है, उसके एटमोसफियर में घुस जाएगा, और जब एटमोसफियर घुसना स्टार्ट कर जलना स्टार्ट हो जाता है वो, और उसमें कुछ कुछ मतलब वो यूजली क्या होता है कि जो मेटियोर होता है वो
मैक्सिमम जो वो मेटेरॉयड ऊपर से आएंगे, फिर मेटियोर बनेंगे, और मैक्सिमम जो होंगे वो धरती के एटमोसफियर के अंदर ही जल के ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो शूटिंग स्टार हो गया, आपको आकाश में जब जलता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे आएगा, दिन खत्म, दिन आउट, वो पूरा आकाश में जल गया, बर्न आउट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन कुछ कितने कुछ थोड़े और बड़े होते हैं जिनको मेटेरॉयड बोलते हैं, ये सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं, और धरती पर आके सरफेस जो होती है ना हमारी, ज़मीन की सतह पर आके टकरा जाते हैं, इनको मेटेरॉयड बोलते हैं, बस इतना याद रखिएगा। एक और है, ये ग्रेवयार्ड ऑर्बिट है, जैसे अर्थ के ऊपर आप, ये अर्थ है, इसके चाहता हूँ एक सेटेलाइट घूम रही है, अब इसका टाइम ख़त्म हो गया, तब क्या करते हैं इस सेटेलाइट को ना, इसका वो आप उसका वो ऑर्बिट चेंज कर देगा ये, तो अपना जिसकी भी जो नासा हो गई, इसरो हो गई, जो भी, और उसको ऊपर भेज देंगे, और ये बाहर वाले ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देगी। फिर इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, मतलब भैया ये मर चुकी हैं, और ये ग्रेवयार्ड एक तरीके से इनका शमशान या क्या बोलते हैं कब्रगाह जो भी होती है वो ऑर्बिट है। ये जो होता है ये सुपर सिंक्रोनस है, ये जियो सिंक्रोनस के ऊपर होता है ये। इसके अलावा फिर हमें एक न्यूज़ में बार बार आप इस साल बहुत न्यूज़ में रहा है, ग्रेटर, ये ग्रेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं ये। ये चार सैटेलाइट उसने बनाई थी, बहुत लार्ज हैं, पावरफुल हैं, स्पेस बेस्ड है, मतलब अंतरिक्ष में उन्होंने उस सैटेलाइट को ये रखा हुआ है, ठीक है। और ये इसमें क्या है कि इसमें चार याद रखिएगा, हब्बल एक तो है, एक कॉम्प्टन है, एक चंद्रा है, एक स्पिजर है, याद रखना ये चारों के नाम, हब्बल, कॉम्प्टन, चंद्रा, स्पिजर। तो आप सिंपल से याद रख सकते हो कि स्पिजर जो है ना इन्फ्रारेड को चेक करने के लिए भेजी गई है, चंद्रा जो एक्सरे वाली है तो एक्सरे को देखने के लिए भेजी गई है, फिर अपनी जो ये है कॉम्प्टन गामा रे ऑब्जर्वेटर, तो गामा रे के लिए, हब्बल को पता ही है सब विजिबल लाइट वगैरह नियर अल्ट्रावायलेट के लिए, सबके जो लाइट के स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने पार्ट हैं वो सब उसको चेक करेंगे। स्पिजर जो हो गया अपने इन्फ्रारेड को, चंद्रा एक्सरे को, कॉम्प्टन किस हो गई, गामा रे को, हब्बल किस हो गई, विजिबल लाइट एंड नियर अल्ट्रावायलेट को। देन ये दो और न्यूज़ में चल रही थी, देवस्थल ऑप्टिकल के टेलीस्कोप थी, इंडो बेलिजन कोलैबोरेशन है, ये क्लियर अपर्चर कुछ स्टाइल की कुछ बनाई है उन्होंने, अपनी आयर भट्टा रिसर्च ऑब्जर्वेटरी है ये नैनीताल के अंदर, ये वहाँ पे रहेगी, ऑप्टिकल है याद रखना, ये एक 500 फास्ट है, ये फास्ट की फुल फॉर्म में 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप चाइना ने बनाई है, और ये बस इतना याद रख लो काफ़ी है। फिर एक न्यूक्लियर वाला आ गया, न्यूक्लियर में आप याद रखना कि तीन स्टेज है अपने पास, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। फर्स्ट स्टेज में याद रखना आप प्रेशराइज हाई वाटर हैवी वाटर रिएक्टर है, दूसरे में हमारे पास में क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, थर्ड में हमारे पास में थोरियम बेस्ड रिएक्टर आएंगे। तो ये प्लान बना के गए थे अपने होमीज भाभा जी जो थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया के पास में ज़्यादा यूरेनियम तो है नहीं, हमारे पास यूरेनियम फिर है क्या, हमारे पास 25% वर्ल्ड का थोरियम रिजर्व है, ठीक है। तो बोला कि हम क्यों ना थोरियम को यूज़ करें, लेकिन थोरियम के लिए हमें प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, बिकॉज थोरियम की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पर जब उन्होंने सोचा था ये, ठीक है। और बोला कि नेक्स्ट 100 साल तक भी अवेलेबल नहीं होने वाली है, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला था कि हम पहले प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर बनाएंगे, देन हम फास्ट ब्रीडर में मूव कर देंगे, देन थोरियम पर मूव कर देंगे। तो अगर हम प्रेशराइज देखें तो हमारे पास 14 ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के अंदर में है, काफ़ी हमारा वो चल रहा है, फिर लाइट वाटर रिएक्टर भी हमने बना के रखे हैं इंडिया ने, कुछ उनके ऑपरेट कर रहे हैं। फिर जो अपने फास्ट बिल्डर आ गए ये 40 वाले कुछ 90 में उसमें चल रहे हैं, और काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, ये एक उन्होंने थोरियम बेस बनाया है कामिनी ने, ठीक है। बाकी उन्होंने डेवलपमेंट के अंदर ही चल रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, और फ्यूचर में देखा जाएगा। अब इसको रियल में अच्छे समझने के लिए ये डायग्राम देखिए आप, जो पहला जो स्टेज बनाया था उसमें हमने क्या किया है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ किया है, दूसरे बता दिए थे मैंने फास्ट ब्रीडर, थर्ड में थोली ये आ जाएंगे थोरियम वाले। इसमें उन्होंने क्या किया, U-235 को यूज़ किया एज ए फ्यूल, ठीक है। इस भाई साहब को जब फ्यूल में यूज़ करने से क्या होता है, पहले तो या तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में दो चीज़ मिलती हैं, डिप्लेटेड यूरेनियम मिलता है प्लस 239 प्लूटोनियम मिलता है इससे, ठीक है। तो ये जो 239 प्लूटोनियम होता है हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ मिला देंगे इसमें U-238 के साथ में, पी यू प्लूटोनियम हो गया 239 प्लस यूरेनियम 238। जो यूरेनियम 238 होता है ना ये खुद फिसाइल मटेरियल नहीं है, मतलब इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो जो अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मैकेनिज्म होती है वो उसमें फंक्शन मतलब पॉसिबल नहीं होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, प्लूटोनियम जो हमें प्रेशराइज हैडे वाटर से मिला था हम उसको इसके साथ मिला के एक बनाते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल बनाते हैं, MOX फ्यूल होता है, ये स्टेज टू में यूज़ होता है याद रखना आप। इस फ्यूल को बनाते हैं, इस फ्यूल को फिर हम यहाँ पर डालेंगे और उसमें रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो प्लूटोनियम से तो एनर्जी मिलती रहेगी, और जो एनर्जी मिलेगी हम उसे यूरेनियम 238 को चेंज कर देंगे किसमें, प्लूटोनियम के अंदर, तो प्लूटोनियम फिर बनना स्टार्ट हो गया। तो फास्ट ब्रीडर का मतलब क्या होता है कि जितना कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा तो हमें क्या मिल रहा है, ऑलरेडी मटेरियल मिल रहा है जो फिर कंज्यूम होने के लायक होगा और फिर हमें एनर्जी देने के लायक होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फास्ट ब्रीडर वाला। तो याद पहला याद है ना U-235 था, सेकंड वाले में प्लूटोनियम प्लस U-238 है, इलेक्ट्रिसिटी मिली इसके अंदर, फिर हमें इससे क्या मिलेगा 233U मिलेगा। हम क्या करेंगे U-233
प्लस थोरियम को मिलाएंगे एंड देन फिर क्या करेंगे कि उससे क्या थोरियम को चेंज करेंगे उसके अंदर उसमें एनर्जी वाले उसमें प्रोसीजर में एंड देन हम फिर इलेक्ट्रिसिटी जब वो कर लेंगे जनरेट। और इसी में फिर हमें बार बार क्या होगा थोरियम से भी U-233 मिलता रहेगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो इतना याद रखिएगा, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, इसमें हैवी वाटर को हम उसमें मॉडरेटर वगैरह की तरह यूज़ करते हैं। U-235 था, फिर इसमें बना क्या ये Plutonium-239 बना, उसको हम 238 से मिला के में ये मिक्स ऑक्साइड फ्यूल बना दिया हमने। फिर उसमें क्या हो गया जो U-38 था उससे हमने बाद में कन्वर्ट होकर Plutonium-239 बनाते रहे उसके अंदर। तो जितना कंज्यूम हो रहा था मेटल उससे ज़्यादा तो हमारे पास में ऑलरेडी मेटल बनता भी जा रहा है जो हम और उसको कंज्यूम कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या बना हमें U-33 आया, उसको मिला के ये थोरियम को मिला के हमने क्या बना दिया Stage-3 स्टार्ट करेंगे फ्यूचर के अंदर। और ये U-233 फ्यूल ब्रेड रिएक्टर बन के अंदर ये बाद में इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा फ्यूचर में। इसमें एक याद रखना कि थोरियम बेस का एक ही हमारे पास ये काम ही नहीं है, कितना एग्जिस्ट कर रहा है कितना नहीं, बट नाम याद जरूर रख सकते हो आप थोरियम के अंदर में, ठीक है। और इस वाले में भी ऑलरेडी चल ही रहे हैं ये फास्फेटर वाले में, और लाइट वाटर रिएक्टर भी है हमारे पास। तो हैवी वाटर में तो हैवी वाटर यूज है, इसमें लाइट वाटर इसमें मॉडर्न ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। बस थैंक यू वेरी मच।